शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। केके यानी कि खन्ना खुराना चेन ऑफ होटल्स का तीसरा हेल्थ रिसोर्ट है और हम आपको वादा दिलाते हैं कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम और 3 रिसोर्ट हमारे देश में खोलेंगे। आप सबने इसके इसमें वो रहकर इसकी वो बढ़ाई है इस... ये मेरा कजिन ब्रदर है मिस्टर खुराना, पिछले 20 सालों से अमेरिका में रह रहा है और वहां पे होटल का कारोबार संभाल रहा है। इसने यहाँ आके उन्हें हिंदी भाषा में शब्दों की कमी महसूस होती है। वो ये बताना चाहते हैं कि यहाँ उद्घाटन समारोह में आप आए, हाजिर रहे और शोभा बढ़ाई, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब मैं आप सबको हमारे उसके बारे में कुछ वो करना चाहते हैं। वैसे यहाँ पर इसकी कमी नहीं है, लेकिन ये अपने किस्म का एकमात्र वो होगा। हेल्थ रिसोर्ट, यहाँ पर हर वो चीज हमारे इस एक के नीचे होगी। दुनिया की सारी सहूलतें हमारे हेल्थ रिसोर्ट की छत के नीचे होगी। हाँ, यहाँ पर आप वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, और हाँ वो तो कर ही सकते हो। मतलब यहाँ एक्सरसाइज कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, और हाँ रिलैक्सेशन तो कभी भी कर सकते हो। मुबारक हो, आई एम पेड्रो। आई एम खन्ना। ये मेरा छोटा भाई जिगर का टुकड़ा साहिबा। आई एम वो खुराना। क्या बात है खन्ना खुराना, इतना शानदार रिसोर्ट हमारे रिसोर्ट के बिल्कुल सामने खड़ा कर दिया और हमें न्योता भी नहीं दिया। नहीं, वो इसमें वो हो गया। जी हाँ, जल्दबाजी में भूल गए। भूल गए, लेकिन हम नहीं भूले, हम आपके लिए तोहफा भी लाए। तोहफा ले गए। थैंक यू। ये क्या बदतमीजी है? तू कौन? मैं एसीपी पांडे। पूरे होटल को तोड़ डालो, फोड़ डालो, और साला जो भी बीच में है ना काट डालो। इस इलाके में सिर्फ एक ही आदमी का होटल चलेगा, वो है पेड्रो भाई। ये आइटम कहां से आ गए? सामने जब जब आएगा ऐसी मार खाएगा मेरे से। मेरे सामने मत आना, जब जब आएगा मारूंगा तुझे। अरे बुलडोजर भाई, आपने मुझे नहीं मेरे भाई को कहा होगा।
यहाँ पे किसी ने होटल तो छोड़, अगर ढाबा बनाने की कोशिश भी की तो जिंदा दफन कर दूंगा, समझा? ब्रदर, फ्लाइंग मशीन। सुनो छोड़ो शर्म, हमारे कदम से मिला लो कदम, टकराएगा किस में है दम, हम तो है हम सब है पानी कम, जो होना है हो जाने दो, कल की फिक्र छोड़ो ऐश करो, क्या होना है क्या पाना है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, बूम बूम कदमों में अपने पिछले कई सालों से कई कॉलेजेस का प्रिंसिपल रह चुका हूं, लेकिन हमारे इस कॉलेज का ये साल मेरे लिए जिंदगी का सबसे अच्छा साल रहा। देखिए मेरे बाल झड़ गए, मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, देखिए मैं कितना खुश हूं। लेकिन आज एक दोस्त के नाते मैं आप सबको और खास करके चंटू बंटू को यह नसीहत देना चाहता हूं कि कॉलेज में गुलछर्रे बहुत उड़ाए, अब जरा सीरियस बनो और अपने माँ बाप का और इस कॉलेज का नाम रोशन करो, लेकिन जो कुछ भी करो क्या
यार अच्छा भला रानी और शीना के साथ मामला फिट हो गया था, साला बाप विलेन निकला है। अबे विलेन क्या, बेवकूफ निकला, जिसे हम जैसे होनार दामादों की कदर नहीं जानी। देखना पछताएगा, कोई हमारा क्या है, हम तो किसी और जगह मुंह मार लेंगे। हम अपनी जवानी को किसी के इंतजार में थोड़ी वेस्ट करेंगे। हाँ यार वैसे भी मेरी वाली कुछ खास नहीं थी, ये तो उसका बाप करोड़पति था इसलिए अच्छी लगती थी। यार ये 5,000 रुपए घंटे की गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी, ऐसा लग रहा है हम इंटरव्यू के लिए नहीं किसी लड़की को पटाने जा रहे हैं। यार तू समझता नहीं है यार, अगर ऐसी महंगी गाड़ी में जाएंगे तो वहाँ नौकरी देने वाले शायद अपने को बड़ी पोस्ट देंगे ना। हाँ, और इस गाड़ी का किराया कौन देगा? उसका बंदोबस्त मैंने किया है, तू सिर्फ फॉर्मूला 36 याद रखना। अच्छा हाँ, ऐसा बोलता है क्या? 26 चल बाजा बन कर चल, क्या दिमाग की दही का रेला है, एक तो इस लंगोट ने पका डाला। ए बाबा चलना, तू इधर ध्यान देना यार। हाँ। देख ये ना बैंक का नक्शा है क्या? हाँ। जिधर आज अपने को बैंक रॉबरी करने का है। ये शाने, तूने अपने को क्या बोला, वो श्यामलाल को आज किडनैप करने का है। अबे आज के दिन बैंक रॉबरी करने का है बस, अब तू मेरा टाइम खराब मत करो, इधर समझ। एक इधर है ना, आगे गाड़ी रुकेगा, समझा क्या? सीधा बैंक के अंदर जाने का, डरने का नहीं। बैंक के अंदर तेरे को मदन चिकना मिलेगा, समझा? वो तेरे को बाया आंख मारेगा, तू उसको डाया आंख मारना और सीधा मैनेजर के कैबिन के अंदर घुस जाना। मैनेजर के कनपट्टी पे घोड़ा लगा कर बोलना, हैंड्स अप, हिलना नहीं, खत्म कर डालूंगा, एकदम भड़क कर बोलना। क्या चल, वो सामने बैंक है ना, उसके सामने लगा डाल, चल लगा डाल, चल चल। अबे तू इधर ही रुक, क्या किधर को जा रहा मत। हाँ फट गई साले की, फट गई। अबे अभी तू तेरी लंगोट को सीधा कर, आप उनको इंटरव्यू देने गए, चल। सेठ जी आया नहीं लगता है? यार ये ऑफिस तो किसी बहुत गरीब आदमी का लगता है, भाई पगार वगैरह देगा कि नहीं? अबे नहीं देगा तो साले के हलक में उंगली लाल कर निकाल लेंगे, हम दुनिया का खाते है, हमारा कोई खा सकता है क्या? वैसे मार्केट में खबर है इस कंपनी के बॉस के पास बहुत पैसा है, लेकिन इस ऑफिस की हालत ऐसे कबूतर खाने जैसी क्यों है भाई? या तो साले की अंडरवर्ल्ड वालों से फटती होगी, या तो दिल का फर्टीचर होगा। अरे भाई उसको बोल साला सामने आया और एक अच्छी सी नौकरी देकर आया। ओ ओ अंकल, ओ जरा वो बुढ़ाओ को बुलाओ ना यार। किसको बुलाओ? आपके सेठ मिस्टर केलकर को। हाँ। बुलाइए। तो लात मार कर निकाल देगा, और इस उम्र में तो कोई अगरबत्ती बेचने भी नहीं। मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ केलकर। सर आप मतलब आप सर मैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों में विश्वास रखता हूँ, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। महान सर, आप जैसे लोगों की वजह से ही हमारा देश बर्बाद होने से बच रहा है सर। सर आपके यहाँ नौकरी करकर हम अपने आप पर फक्र महसूस करेंगे सर। और तुम लोगों को नौकरी देके मुझे अपने आप में शर्म आएगी। सर कैसी बात कर रहे हैं आप, सूरज लेकर भी हम जैसे अगर आप वर्कर ढूंढे ना तो भी नहीं मिलते सर। मुझे मेहनत कश इंसानों की जरूरत है, मार्केटिंग का जॉब जूते घिसने का जॉब है, बाप की मर्सिडीज में घूमने वालों का नहीं। सर सर आप हमें एक चांस तो दीजिए सर, जूते क्या हम अपने पैर घिस देंगे सर। मुझे तुम लोगों को चांस देके चांस नहीं लेना है, खड़े हो जाओ। गांधी जी ने इस देश के युवकों से क्या क्या उम्मीदें रखी थी। और खड़ूस चल अपना मचमच बंद कर, समझा क्या? और वैसे भी आप उनको ऐसे पकेले और फटेले जगह में काम नहीं करने आए क्या? चल चंटू। मवाली कहीं के? अरे केलकर ने तुम्हारे वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। अरे तुम लोगों को वहाँ नौकरी मांगने भेजा था कि उसकी माँ बहन कर रहे। लॉली भाई आखिरी बार एक नौकरी का झोल कर दो ना, आखिरी बार बस। अरे तुम्हारे झोल ने तो मेरे अंदर होल किया है। लॉली भाई आखिरी बार की सेटिंग करो ना प्लीज, गलती हो गई प्लीज लॉली भाई। बस अब एक ही जगह बची है, गोवा में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में भर्ती हो रही है, जहाँ पे वो लोग तुम्हें काम भी सिखाएंगे और तनख्वाह भी देंगे। क्यों रहा है बे? इसकी माँ को एक ज्योतिष ने कहा था ये बड़ा होकर हजारों लोग को खाना खिलाएगा, लेकिन तभी नहीं कहा था कि बड़ा होकर वेटर बनेगा। तुम्हारे ये चक्कर में कोई तुम्हें लाठी पोछा मारने भी नहीं रखेगा। और
ये कोई छोटा मोटा होटल नहीं है, ये बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार। क्या बात कर रहे हो लाली भाई, मतलब 5 स्टार में रहने को मिलेगा और खाने को भी मिलेगा। अरे नौकरी पक्की हो गई तो सोने को भी मिलेगा। अरे तो भेजो ना लाली भाई। भेजो 20,000 ला तो भेजता हूँ। क्या बात कर रहे हो यार, बेकार लोगों से 20,000 रुपए लोगे, कुछ तो शर्म करो यार। शर्म? 3 महीने से शर्म कर रहा हूँ। अगर आप बेशरम नहीं हुआ ना तो अंदर बॉल खेलने की बजाय बाहर बॉल पकड़ के खड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगले हफ्ते 20,000 रुपए लाकर तुम्हारे टेबल पर मारूंगा। टेबल पे क्यों? रुपए मार। नाम बताइए। राजा राम। राजा राम, हाँ ये लो, यहाँ साइन करके वो पैसे भर देना, लीजिए। थैंक यू। यार ये तू मनी ऑर्डर के फॉर्म भर के क्या 10-10 रुपए जमा कर रहा है? 20,000 रुपए चाहिए बंटू अपने को, 20,000 उसकी सोच। अबे सबर कर यार, सबर कर, सबर का फल मीठा होता है। ये देख आ गया मेरा दूसरा ग्राहक। अभी आया। अरे भाया हमारा फॉर्म तो भर दियो। हाँ जी, बोलिए कितने पैसे भिजवाने? 27,000। अच्छा अच्छा, पता बोलिए। केमसन जलान। हाँ यार, भाई भाई गाँव। हाँ जी। जिला जोधपुर। हाँ जी। राजस्थान। अच्छा जी, पैसे भर दीजिए। तो लो भाया। थैंक यू भाया, थैंक यू। ये ले 10 और 10, 20 हो गए। अबे उसे पैसे जोधपुर भिजवाने थे ना, मैंने जोधपुर की जगह मेरे घर का एड्रेस लिख दिया और भेजने वाले की जगह तेरे बाप का नाम लिख दिया। अब ये 27,000 रुपए मेरे घर मुझे मिल जाएंगे। यार तू लूटे को लूटेगा? अरे लूट कौन रहा यार, जैसे ये 5 स्टार होटल में नौकरी लग जाएगी तो ब्याज समय तुझे पैसे लौटा देंगे ना, जोधपुर का एड्रेस तो है ही। साले जब 100 कमीने मरे होंगे ना तो तू पैदा हुआ होगा। हाँ, और ये मत भूलना कि कमीने का भाई कुत्ता कमीना होता है। Here we come, go! अरे यार यहाँ तो बहुत भीड़ है, लगता नहीं अपना नंबर आएगा। हाँ यार लगता है अपने ये पैसे भी उतर गए। हाँ एडमिशन चाहिए क्या? डायरेक्ट मैनेजर के साथ सेटिंग है, आप यूं दिलवा दूँ। और उतारने को आ गया। देख भाई हम छोटे मोटे आदमी से बात नहीं करते हैं। चल अगला नंबर अपना है। कहाँ कहाँ से आ जाते यार, पकड़ा जाएगा। अगला आदमी है, इस तरफ देखना मत बस। गिन लो पूरे 50,000 रुपए हैं। अरे छोड़ो यार। यार बंटू यहाँ कोई दाल में काला लगता है। दाल में काला नहीं भाई साहब, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। क्या मतलब? मतलब ये कि इस होटल का जो मैनेजर है वो सबसे एडमिशन के लिए 50,000 रुपए ले रहा है। क्या वेटर की नौकरी के लिए 50,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है? क्या करे भाई, भ्रष्टाचार अब हमारे देश में शिष्टाचार जो हो गई है। भाई अपनी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। चल यार तू फॉर्मूला नंबर 36 यूज करते है, मैनेजर एडमिशन तो देगा ही, वो भी हाथ पैर जोड़ कर देखता रहे तू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। ये कोर्स करने आए हो? जी सर। ये पेशा क्यों चुना तुमने? क्योंकि किसी दिन मैं अपना 5 स्टार होटल खोलना चाहता हूँ सर। अच्छा, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में हम ही से ट्रेनिंग लेके हमारे ही कंपटीशन में तुम एक होटल खोलना चाहते हो? मेरी बिल्ली मुझे घुमाओ। नहीं सर, आप उल्टा समझ रहे हैं। अच्छा मैं उल्टा समझ रहा हूँ, मतलब तुम्हारा कहने का ये कि मैं उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ? नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा सर। तुमने नहीं कहा है तो फिर क्या मैंने कहा है? तुम्हें क्या समझ लगता है मैं पागल हूँ? नहीं सर, मेरा दिमाग खराब है, मेरे सींग निकले हुए हैं। जो आदमी अपने बड़ों की इज्जत नहीं कर पाता उसको यहाँ से निकल जाना चाहिए। सर आई एम सॉरी सर, वो हो गया सर, वो मैंने किया सर, वो आपसे आई एम सॉरी सर, हो गया, मैंने कुछ किया सर, मैं धोखे आया सर। मैं ए कहां जा रहा है? करके कहीं के साले पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। हां जी सर। क्या है? उसे भगा दिया क्या? बाथरूम गया है सर। मैं तो कहता हूं कि घूस नहीं देने वालों को ना गोली से उड़ा देना चाहिए। हेलो ओब्राय टावर्स, मिस्टर राज ओब्राय हैं? राज ओब्राय? अबे राज ओब्राय तो वो है जिसके 5 स्टार होटल से मालिक है वो, उनका इसके पास फोन कैसे आया? मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। हेलो। मैं जो पूछूं उसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। हाँ। तुम राज ओब्राय के भांजे हो, इस बात का किसी को शक तो नहीं हुआ? ओए, ये तो राज ओब्राय का भांजा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं। देखो तुम्हें वहाँ एडमिशन लेकर 1 साल तक उनकी पूरी टीम को ऑब्जर्व करना है,
हमें अपने लंदन के होटल के लिए यहाँ से बेस्ट ऑफ द पीपल भेजने हैं, और हाँ खास करके उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजर गिल पर कड़ी नजर रखना। क्यों? सुना है बहुत ही लायक आदमी है, अगर ऐसा आदमी हमें मिल जाए तो यहाँ से लेकर हम लंदन तक झंडे गाड़ सकते हैं, भले ही हमें उसे 10 गुना दुगनी तनख्वाह क्यों ना देनी पड़े। ठीक है बेटे, बाकी बात खाने के बाद रात को घर पे करते हैं। बाय। गाली दे रहा क्या? नहीं नौकरी दे रहा है, वो भी 10 गुना तनख्वाह के साथ, और वो भी लंदन में। एक काम कर, वो आ रहा है, तू जल्दी से जा, चाय और ठंडे का इंतजाम कर। जा जा जा, जा। मेरा प्रमोशन? हाँ हाँ, 10% लूंगा। आपके सर्टिफिकेट, मतलब बेटा मैंने तुम्हारे सर्टिफिकेट देखे, तो तुम बैठो ना प्लीज। मैं बैठूं सर? बैठो ना, बैठो आराम से बैठो, ऐसी कोई घबराने की कोई बात है ही नहीं। अरे चीजें तो गिरती रहती हैं। तुम्हें मालूम है जब मैं इस इंस्टीट्यूट में पहली बार आया था एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने अपने ऊपर गर्मा गर्म चाय गिरा ली थी। ऐसी जगह जला था जहाँ बर्नॉल भी नहीं लगा सकता था। क्या पियोगे तुम? नहीं सर, थैंक यू। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ खा लो, हमारे यहाँ के फिश फिंगर्स बहुत अच्छे होते हैं। नहीं सर, मुझे तो आपके यहाँ एडमिशन की भूख और ट्रेनिंग की प्यास है सर। तुम्हारा एडमिशन तो हो चुका है? Really, सर? हाँ, तुम्हारे जैसे हुनर बच्चों की तो हमें जरूरत है। मेरे से भी होना, मेरा एक दोस्त बाहर बैठा है, अगर उसका भी हाँ तो लेके आओ ना उसको, जरूर लेके आओ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बेटा Bantu, वेलकम टू द इंस्टीट्यूट। थैंक यू सर। सिलेक्टेड। क्या सही जगह है यार, मैं तो हर हॉलिडे यही मनाऊंगा। यार मैं तो यहाँ सेटल होने की सोच रहा हूँ, तू आना छुट्टियों में अपने बाल बच्चों के साथ। यार ये तो कुछ लड़की जैसा समंदर में डूब रहा है। यार ये लड़की जैसा नहीं, ये कोई लड़की डूब रही है। अरे रे रे बेचारी, तू बचाने नहीं गया तो डूब जाएगी। मैं क्यों जाऊँ, तू क्यों नहीं जाता? यार मेरी माँ ने कहा था ना, डूबते हुए को बचाने नहीं जाना चाहिए, अपने को भी लिए डूबता है। और ये जानते हुए तू मुझे भेज रहा है? तूने कभी अपनी माँ की बात सुनी है? यार तेरे में इंसानियत जैसा कुछ है कि नहीं? तेरे सामने वो लड़की डूब जाएगी तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ऐसा बोलता है क्या? हाँ यार। चल मैं जाता हूँ। जा, 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 जा। अयला। जा वा। चप्पल यार। हाँ रख दे रख दे रख दे, मंदिर के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। ओ शिट। ते अब क्या हुआ? ते घड़ी यार खराब हो गई। ला दे 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 दे, वैसे भी इतना बुरा टाइम चला भाई। ओह माय गॉड। अरे तेरी अब क्या हुआ? कपड़े कपड़े। हाँ निकाल 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 निकाल, अरे निकल यार, डूब जाएगी वो यार। गो 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 गो। अरे चंडू सुन, अरे यार वो चड्डी गीली हो जाएगी। अरे यार एक लड़की मरी, तुझे मेरी चड्डी की पड़ी है, हट। ओके गो 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 निंजा। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी। इस ज्यादा नजदीक मत जा, बाल से पकड़, खींच 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 खींच। हाँ कितना सिंपल था। आजा आजा। ठीक है क्या? हाँ ठीक है। अरे निकाल पानी का, तो निकाल चल। अरे ठीक है ठीक है, ठीक हो ठीक हो ठीक हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं होते तो मैं, ओह माय गॉड, मेरा क्या होता? बाय द वे, आप लोग इसी होटल में रहते हैं? हाँ। ओह, तो फिर आज से आप लोगों का खाना पीना रहना सब फ्री। अच्छा वो कैसे? मैं यहाँ के मालिक की बेटी हूँ। यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। रुक जा मैं देखता हूँ, कुछ रोकड़े का इंतजाम हो जाता तो। रोकड़ा का हो सकता है? रोकड़ा मैं समझी नहीं। नहीं मतलब एक्चुअली हम लोग यहाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आए, तो खाना पीना तो oh, मतलब... wow, that's great. मैं भी यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। अच्छा। अब तो एक साल तक मिलना होगा। I'm Sonia. I'm Chantu. Bantu. Thanks, Chantu. Thank you. जा रहे हो? Okay. Bye bye. Excuse me. Bye.
यार चंटू, ये तो तेरे को गीला करके अपने को सूखा करके गई भाई। हाँ भाई, बहुत बुरा वजह हुआ। तो मैं इस कोर्स में तुम लोगों को हर वो चीज सिखाऊंगा जो कि किसी भी एक फाइव स्टार होटल की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता। मेरा ये कोर्स करने के बाद तुम लोग दुनिया के किसी भी होटल में जाके मेरा नाम लेके मैनेजर की नौकरी पा सकते हो। बेटा बंटू, सुन रहे हो ना तुम? अच्छा, हाँ। थैंक यू। ये कोर्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। भाई ये होटल की बात करते करते हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया? हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमानों की खिदमत करना, अतिथि सत्कार। फाइव स्टार होटल्स में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, करोड़पति लोग आते हैं। उनसे किस तरीके से पेश आना चाहिए ये अपने आप में कला है, जो आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। थैंक यू। चंटू तुम जरा खड़े हो जाओ। देखो, मानो कि मैं वो करोड़पति ग्राहक हूं और तुम उस होटल में वेटर हो। मैं तुम्हारे होटल में आता हूं, तुम मुझसे किस तरीके से पेश आओगे बताओ। Your time starts now. ए बोला, 9 नंबर में पानी रख, 4 नंबर में फटका मार। हाँ, चश्मी से 12 रुपए आर्डर ले लेना। बोलो साहब, खाने में क्या लाओ? गुला गोश्त, दाल फ्राई, मटन कुड़ाला, चिकन बिरयानी, रोस्टेड चिकन, सूखा चिकन, वेज फिंगर। क्या लेगा? ये फाइव स्टार होटल है, कोई काकेदा ढाबा नहीं है, और ग्राहक भाग जाएगा इस तरीके से। एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठो कस्टमर की जगह पे। बेटा सुंदरी, तुम जरा बताना इसको। गुड आफ्टरनून सर, मे आई हेल्प यू? क्या लेंगे आप? चांदनी बार नजर आ रहा है क्या यहाँ पर? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, जाके बैठ। चांदू बैठ सर, मैं हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटा बंटू, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो सीधे मैनेजर बनना है ना। नहीं नहीं, तुम आराम से बैठो। सर आप हमें बताइए ना कि किस तरह से पेश आना चाहिए, प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आकर बैठो, मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। Oh my God! It's a pleasure, gentlemen, that you are here tonight. Sir, we have very good Italian food here. Then we have very good Chinese, and we have very good Thai food. What would you like to have, sir? Jamai la paunya. Ye bingrezi bingrezi atna yamala. Ye baaki sab sod. Jhun ka baakar, kola puri rasa, wada pav, bido pav. Kya aitna tuja kade? Yada kuch. What did he say? Aye papa, baaki di galla. छड़, मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी है? नहीं, पास्ता है। पास्ता, पास्ता, छड़, पैसे है हमारे पास। आले भाई पैसे, आले भाई पैसे, आले भाई पैसे, आले भाई पैसे, आले भाई पैसे। Very good, very good. Actually, कभी-कभी आपके पास इस तरह के कस्टमर्स भी आ सकते हैं। तब आप लोगों को मेरी तरीके से मुस्कुराकर उनको अटेंड करना चाहिए। गुड, आज की क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच। साला मुझे ईरानी होटल का वेटर कह रहा था, हमने उसे नेपाली की चाइनीज गाड़ी का छोकरा बना डाला, और मुझे बोल रहा था तुम सीधा मैनेजर बन जाओगे। मैनेजर आला ना मजाक था उड़ी आता ये इल गम्मा। साले को जब पता चलेगा कि तू ओबेरॉय का भांजा तो छोड़, तेरे बाप के चाय के स्टॉल खोलने के वादे हैं तो उसमें क्या बीतेगी। छोटा मोटा आदमी ना, अब देख बेटा ये छोटा मोटा आदमी कैसे बड़ा नाच नचवाता है। मतलब मेरे ही ऑफिस में घुसकर मुझे को लल्लू बनाया। लल्लू तो फिर भी अच्छा होता है सर, उल्लू बना दिया आपका। बताइए, अरे पोपट कर डाला आपका, आप अपने आप को बहुत छाना कौवा समझते हैं ना, गोबर में घुसेड़ दिया आपको। अच्छा तू बड़े मजे ले रहा है। नहीं अभी वो जानते नहीं है मैं क्या चीज हूँ। उन्हें मालूम ही नहीं है सर, बहुत कुत्ती चीज है आप। बहुत सही पहचाना बेटा, इन लोगों ने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन टेस्ट लेके तो मुझे ही पास करना है ना। ऐसे ऐसे टेस्ट लूंगा कि सालों का फुल टॉस हो जाएगा। हाँ हाँ करने के बजाय काम कर चल, अब बजेगा सालों का बैंड। हेलो, हाय, हाय, हेलो, वेलकम, वेलकम। मिस्टर जॉन, आप और आपकी टीम इंग्लैंड से वक्त निकालकर यहाँ हिंदुस्तान में हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट देने आए, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। खैर इंस्टीट्यूट तो आपने देख ही लिया, अब हमारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ के अलग अलग किस्म के वो पकवान, हाँ वो पकवान खिलाएंगे, जिन्हें चख के आपको उन्हें मार्क्स देने हैं।
पकवान ले आओ। क्या बना रहा है भाई? मैं इंडियन बर्गर बना रहा हूँ। इंडियन बर्गर कैसे? देखो, रास्ते से दो चार वड़ा पाव खरीद लो, पाव के ऊपर सॉस से अच्छी सी डिजाइन कर लो, दो चार कांदे टमाटर अच्छे से प्यारे से काट कर साइड पर सजा दो, बन गया आपका इंडियन बर्गर। oh, no! अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसको? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रे 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 आज होगा कांड। अब मैं फेल हो जाऊंगी, मैं क्या करूं? अरे सबसे पहले तो ये रोना बंद करो मेरी माँ। हो गया कांड। रुको, देखो, एक काम करो, तुम इसकी खीर अपने नाम पर प्रेजेंट कर दो और तुम्हारी डिश ही अपने नाम पर पेश कर देगा। तो क्या कर रहा, मेरी खीर से क्यों दे रहा है? देख यार, एक बार तूने उसे डूबने से बचाया था। हाँ। तो इस बार फेल होने से बचा देना यार। हाँ बोल दिया। लगता है खीर के चक्कर में अपने यार की खिचड़ी पक जाएगी। क्यों? सुंदरी के लिए खीर, चंटू के लिए ताल। यार खुराना, आज तक हमने कोई स्टूडेंट्स की डिश चख ही नहीं डर के मारे। और ये लोग दबा के वो कर रहे हैं, खा रहे हैं। ओ सर, अभी तो आप हमारे स्टूडेंट्स की खीर खा के देखिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। डाल दिया था ना? हाँ सर, आधा किलो नमक और एक मुट्ठी दवा के जुलाब की गोलियां। वेरी गुड इम्प्रोवाइजेशन। अब ये खीर खाएंगे और उसके बाद इनका कमरा जो दूसरे गेस्ट्स को दे देना है। क्यों सर? क्योंकि ये तो टॉयलेट में ही रहेंगे। अब लड़कों को मिलेगा अंडा। सर खीर आ गई है। आ गई ना? हाँ। ये खीर पे खुराना साहब की लड़की का नाम कैसे है? ये कमीने फिर कोई चाल चल गए। अरे इनकी चाल हमारा हाल बिगाड़ देगी। थैंक यू, बहुत अच्छी खीर है ये। अरे क्या कर रहा है? एवरीवन ऑन खीर, मैं इसलिए बात कर रहा था। अरे तो क्या तुम सारी की सारी उसकी वो कर दोगे? हाँ जी। अरे सारी की सारी खीर सफाचट कर डालोगे? करेक्ट। नहीं सर, नहीं, ये तो मैं ही खाऊंगा। सर आपका कमरा किसी गेस्ट को दे दूं? क्यों? अब आप तो टॉयलेट में रहोगे। अरे क्या लेता खड़पन क्यों कर रहा है? ताकि इसके कमीनेपन का पोल खुल ना जाए। दरअसल इसके चमचे ने तेरी खीर में जुलाब की गोली और नमक मिलवा दिया था, और वो मैंने देख लिया था, इसीलिए तो मैंने तेरी डिश और सुंदरी को दिलवा दी थी। लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा? इसका पता भी आज रात को चली जाएगा। कितने? 21। क्या बात कर रहा है? 21 बार हुआ है सर। आप, मुझे तो लगता है आज आप सिल्वर जुबली मनाओगे। बेटा अगर यही हाल चलता रहा तो गोल्डन जुबली होने में भी देर नहीं है। हाँ सर, आपने कहा उनकी खीर खराब कर दो, लेकिन उन्होंने तो आपकी हालत ही खराब कर दी है। सही बात है, बहुत बड़ा धोखा हो गया। पहले बेवकूफ बनाकर एडमिशन लिया और उसके बाद खीर खिला के फकीर बना दिया। रे पड़े, कुछ कर पड़े। सर लाल चड्डी लेके आऊं? हाँ लाल चड्डी। लाल चड्डी क्यों? अरे सर लाल सिग्नल से तो बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती है, ये क्या? अरे बेटा इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, कोई गाड़ी नहीं रुकेगी अब। 22। अरे सर दरवाजा तो ठीक से बंद कर लेते। अरे यार बंटू, ये तो अपनी सारी पोल खुल गई यार।
इस बार तो बच गए, ये कमीना अगली बार हमें नहीं छोड़ेगा। अरे अगली बार आने से पहले इसका ऐसा बंदोबस्त करते कि साले का परमानेंट मुंह बंद हो जाए। वो कैसे यार? देखते रहे तुम, देखते रहे। Yes? Are you Mr. Gill, the manager? Yes, I am. Mr. Gill, मुझे बचा लो। किससे? बर्बाद होने से। Oh, all right, please. Mr. Gill, मैं अपने घर से भागी थी, अपने boyfriend के नाल। अच्छा। उसने मुझे हथेली पर चांद तारे दिखाए थे। लेकिन यहाँ आकर मजे लूट कर वो 9-11 हो गया। होटल ने बिल दे पैसे भी नहीं दिए। वहाँ से तो मैं किसी तरह निकल कर आई। लेकिन अब तो घर लौटने के पैसे हैं और न रात बिताने का आसरा। अरे रे 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 रे। हाँ रे 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 रे। मिस गिल, मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। मैंने सुना है कि आपका दिल दरिया है और मुझे जैसी सारी भटकी हुई नदियों को आप अपने दरिया दिल में समा लेते हो। मिस्टर गिल, एक ही रात का सवाल है, कल तो मैं अपना कुछ ना कुछ कर ही लूंगी। नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अब तो जो करना है वो मुझी को करना है। और तुम एक रात क्या जितनी चाहे रातें मेरे कमरे में बिता सकती हो, नो प्रॉब्लम। मिस्टर गिल, एक बार फिर से दोहराओ, मुझे अपने कान पर विश्वास नहीं आ रहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी शरण में आई हुई कोई लड़की बेसहारा नहीं हो सकती। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना कमरा। नॉटी बॉय। चलें चलें। आजा आजा, अंदर आजा, अंदर आजा। अरे सुनो, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। नाड़ा ढिल्ल। नाड़ा ढिल्ल? नादिया डागर सिंह ढिल्ल, नाड़ा ढिल्ल। वाह, आपको बचपन से ही मालूम था क्या? बड़ा अच्छा नाम है नाड़ा ढिल्ल। मेरा नाम गिल्ल। मिस्टर गिल्ल, वैसे तो आप बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन कमरे में कहीं अंदर आपकी बीवी तो नहीं है ना? अरे मेरी बीवी कहाँ से आएगी, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, और नौकर चाकर? नौकर चाकर इस हिस्से में आते ही नहीं है जब तक मैं उन्हें बुलाऊं नहीं। ओए माँ, मुझे तो डर लगता है, मुझे अकेले में देखकर कहीं आप मेरी इज्जत पर हाथ तो नहीं डालोगे? नहीं, क्या बात कर रही हो, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम पर कैसे हाथ डाल सकता हूँ? क्यों नहीं, कितनी गर्मी है, ऐसा कहकर अगर आप दरवाजे पर कुंडी लगा दो। ये एसी ऑन कर दो। अच्छा, एसी तो ऑन ही है। यहाँ कुर्सी पर सामान रखकर मुझे बिस्तर पर बिठाओ। आओ ना। कोई माँ, लगता है लेफ्ट साइड आपकी फेवरेट है। बैठो। एक मिनट। और फिर यहाँ जो फोन पड़ा है ना, उसे हल्के से यूं ऐसे हटा दो और अपना कोट उतार कर अपनी टाई ढीली कर दो, लामक कर दो। थैंक यू। फीलिंग बेटर? मच बेटर। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहो, मुझे कॉपरेट करोगे तो मैं डर के मारे ना कैसे बोलूंगी? सुनो, मुझसे कॉपरेट करोगी? इतना अच्छा गाती हो, इधर आओ। अरे इधर आओ ना, एक बार गाना मुझे सुना दो। गिर गई। हाँ देखो सुनो, मेरे ऊपर आना मत। नहीं, क्या कर रहे हो? चंटू तुम, नमस्ते सर। आपको कहाँ देखा था सर, और कहाँ पाया? झूठ बोल रही है, मैंने इसको आसरा दिया है। सर आपकी ये बात कौन मानेगा सर, अभी ये चीखेगी, अभी ये चिल्लाएगी सर। चुप, समझ गया। बहुत कमी नहीं है, कुछ पैसे हैं। हाँ, है। एक मिनट। अरे गिनने का टाइम नहीं है सर, देखिए कितना चिल्ला रही। दीजिए आप। ये क्या कर रहे हो सारे, कैसे ये ले रख, अब तो अपना मुंह बंद रखेगी ना? नहीं, इससे तो सिर्फ जबान बंद होगी, मुंह तो खुला ही रहेगा। बहुत बड़ा मुंह है कमीनी का। ए, सर ये चेन, चेन भी दे दीजिए। क्यों? बहुत चिल्लाएगी, बहुत कमीनी। अरे घड़ी, गाड़ी ना दे दीजिए। मैं की फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी इज्जत बचाऊंगा। अरे बाप, माल के लाओ। ये ले, अब चुप रहे, अगर आप बोला ना तो गला घोटूंगा तेरा। ओके ओके ओके, देन गिल्ला, होप यू गो टू हेल, बाय बाय। ओए चली पंजाब की कुड़ी। ये क्या किया चंटू,
मेरा सब कुछ उतार के उसे दे दिया। कैसी बात कर रहे सर आप, अगर ये बात इस कमरे के बाहर चली जाती तो स्टूडेंट आपको खुजली वाला कुत्ता समझकर थूथू कर दे। नहीं नहीं सर, मैं तो कहता हूँ मैनेजमेंट आपको लात मार के यहाँ से निकाल देती। ऐसा क्या? हाँ सर हाँ। थैंक यू चंटू, तूने बहुत बड़े धर्म संकट से मुझे निकाला है। आपको अंदाजा नहीं है सर, मुझे ब्लैक मिलरों से कितनी नफरत है। आप जाइए, जाकर ठंडे पानी से नहा लीजिए सर, प्लीज प्लीज। हाँ ओके, हाँ नहा लेता हूँ मैं, थैंक यू। मुझे खाली लग रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके नहा लेता हूँ, तब तक तू यहाँ बाहर खड़ा रहे, फिर तू नहा लेना और मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। क्या हुआ, कहाँ लगी? यहाँ यहाँ यहाँ, शायद शायद घुटनों में लगी होगी। तो फिर कहाँ लगी? अहिला हाँ, तुम इस कमरे की सफाई कर देना, तब तक मैं थ्री फिट को चेक करके आती हूँ, वहाँ कुछ नल का प्रॉब्लम है। गरम गरम पानी से नहानो चाहिए, गरम पानी में पूछ पूछी नहाना चाहिए, उसपे साला उसपे साला जकूजी मिल जाए तो मजा आ जावे। यार खन्ना बोल खुराना, मैं क्या बोल रहा था? ओ, मुझे क्या पता तू क्या बोल रहा था। अब अपना वो है ना, क्या? अरे वही जो काफी टूटी फूटी सी है, उसका वो कर देते। तुझे शर्म नहीं आती भाभी के बारे में ऐसे सोचते? अब वो बूढ़ी हो गई, इसके लिए उसका क्रियाकर्म कर देना चाहते? ना तू ये क्या बातें कर रहा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो उसके वो दिन उसमें वो आया था, अरे जिसके शुरू होने से पहले ही उसका वो हो गया था। तू अपने हेल्थ रिसोर्ट के बारे में बात कर रहा है? करेक्ट, नाम मतलब हेल्थ रिसोर्ट का है? जब भी उसकी बात चलती है मेरी हेल्थ खराब हो जाती है। अरे लेकिन हमारी उसमें काफी वो फंसी है ना, अरे क्यों ना हम उसका वो कर दे। हाँ हाँ यार तेरी बात समझ गया, हमारी वेल्थ काफी फंसी है उसमें। वेल क्यों ना हम उसे बेच दे। हाँ अरे नेकी और बुझ
लेकिन यार खरीदेगा कौन उसे? अरे ढूंढने से वो मिलता है, एक वो नहीं मिलेगा है? अरे क्यों ना हम उसका वो देकर देखते हैं। मतलब ढूंढने से खुदा मिल जाता है तो एक बकरा नहीं मिलेगा? करेक्ट, यानी न्यूज़पेपर में इश्तहार देकर देख ले। करेक्ट करेक्ट, दे दो दे दो, पोस्टर चिपका दो सब जगह। आप इस होटल में हाउसकीपिंग मैनेजर हूँ, मैं यहाँ कमरों की देखभाल करती हूँ। अच्छा, बाय द वे आई एम वेरी गुड एट हाउसकीपिंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ए सांपर, इज टेक माय वॉच, वेयर इज माय वॉच? वेट, आई डू हैव माय वॉच। यस सर। डू यू हैव माय वॉच? नो सर। यस, यू हैव स्टोल माय वॉच। नो सर। आई डोंट थिंक। नो सर। एक्सक्यूज मी सर, व्हाट इज इट सर? Yes, thank you my watch for sure. Watch? He was. मैं कसम सर, घूमने कौन गया था? मैं गया सर। निकालो, निकालो, घड़ी निकालो। नहीं नहीं सर, मैं कसम सर, मैंने देखा भी नहीं सर। No sir, I swear. I've not taken sir. Search him, search him. Okay, okay. Right, sir, search him. He's a nice boy, sir. Don't. मैं check करता हूँ. He's not nice. मैं कसम सर. Let me search. Hey, what's going on? This is my watch. Call the police. Please, call the police. This is a theft. Yes, okay. I'm happy. I apologize. Excuse me, sorry. Sir, Maka Sam, sir. Fired. जा सकते हो? जा सकते हो? एक मिनट सर, स्टॉप करिए। एक मिनट सर, किसी तहकीकात के आप इसको निकाल नहीं सकते। मैं कोई पुलिस वाला नहीं है जो चोरों की तहकीकात करता फिरेगा। हाँ तो फिर आप कोई जज भी नहीं है जो किसी को सजा देते फिरे, समझे आप? चंटू क्या डायलॉग मारा है? शराब यार। लुक मैन, आई एम वेरी श्योर चोरी इसी ने की है। सर ये बिल्कुल गलत इल्जाम है सर, निखिल चोर नहीं बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन तुम इतने उससे कैसे कह सकते हो कि वो नहीं है? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम असली चोर को जानते हो। हाँ हम जानते हैं सर। हैं? क्या? बैठो 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 बैठो। कौन है? सर इस पूरे रिसॉर्ट पर सिर्फ दो लोग ऐसे दबे पाव घूमते हैं और घूरते रहते हैं जैसे सिर्फ वो या वो घूमता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मालिक घूमता है या चोर घूमता है? राइट सर। खुराना? कौन है वो? सर मिस मोनिका एंड असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर गोम्स। हैं? मोनिका? अरे सुनो। यस सर। जरा मोनिका को अंदर भेजो। जी सर। वैसे तुम्हें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है मोनिका की इस तरह से चोरी चोरी ताक झाक करने की हरकतों का? बहुत बुरा अनुभव है सर, माँ भयंकर। अच्छा मिस मोनिका। यस सर। इन दोनों का कहना है या तो तुम चोर हो या मालिक हो, सच सच बताओ तुम कौन हो? क्या? Amazing! क्या बात है? आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं इनकी बेटी हूँ? क्या? आइला? सर मतलब वो आपकी बेटी है? बस कहे ना, उल्टा घुमा कैसा लात मार के निकालेंगे ना इंस्टीट्यूट से? क्या? नहीं कुछ नहीं सर, वो एक्चुअली क्या वो ट्रेनिंग सिक्योरिटी ट्रेनिंग के टाइम वो उनपे वो करना पड़ रहा था। चलिए कम से कम मुझ पर आपकी बारीक नजर तो है। आइला वो आपकी बेटी है? जी बिल्कुल, खुराना साहब की इकलौती बेटी है। देखो दरअसल बात यह है, हमारे रिसोर्ट में कई महीनों से चोरी की शिकायतें आ रही थी। उसी अरसे में मोनिका भी 4 साल की ट्रेनिंग के बाद यूरोप से लौटी थी और हम जानते थे यहाँ उसे कोई पहचानता नहीं। उसी मौके का फायदा उठा के हमने उसे स्टाफ में शामिल कर दिया ताकि चोरी भी पकड़ी जाए और उसे थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाए, है ना? वेल डैडी, मिस्टर गोम्स पर मुझे भी शक है, लेकिन बिना सबूत के उन पे इल्जाम लगाने से पूरा स्टाफ पैनिक हो जाएगा। इन दैट केस सर, अगर वाकई असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर गोम्स चोर है तो कल सुबह वो सारा चोरी का माल लेकर आपके सामने हाजिर होगा सर। क्या? सर आप हमें आजमा कर तो देखिए। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हेलो हेलो मिस्टर गोम्स। कौन कौन बोल रहा है? तुम्हारा शुभ चिंतक। इतना रात को काय को फोन किया? आओ बुरी खबर देने के लिए, शुभ वक्त का इंतजार नहीं करते हैं।
और तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है। क्या मतलब? मतलब ये है रे कि बंटू चंटू को पता चल गया कि तू ही असली चोर है रे। क्या? इतना ही नहीं, कल जो मैं वो पुलिस को लेकर तुम्हारे घर रेड करने वाले है। आओ, तुम्हारे पास अभी सिर्फ सुबह तक का वक्त है। चोरी का माल ठिकाने लगा दे वरना खुद ठिकाने लग जाएगा। यही अच्छा काटता हूँ। हेलो हेलो हेलो, काट दिया। चोरी का माल ठिकाने लगाना होगा, चोरी का माल ठिकाने लगाना होगा, निकालना होगा, सारा माल निकालना होगा। चोरी का माल इसमें रख लेते हैं। फोन फोन भरो भरो, पूरी ज्वेलरी भर दो। हेलो हेलो, मैं मद्रासी, रूम नंबर 306 जी। हाँ बोलिए। सामी बोलिए बोलिए। 10 प्लेट इडली मांगते हैं जी। हेलो स्वामी, रात के 1:30 बज रहा है, ये कोई इडली सांभर खाने का टाइम है? अब मद्रास ट्रेन से आया, भूख लगता स्वामी। अच्छा अच्छा, बहुत भूख लगा है। हाँ भेजता है, भेजता है, जरूर भेजता है। इंतजार करना, दोबारा फोन मत करना। ओके। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। चलो ओफ, क्या करूं? जल्दी कर। इधर उधर क्या? चाकू। हेलो स्वामी, चटनी बोलना भूल गया, बिल कितना होगा जी? स्वामी बिल की चिंता बिल्कुल मत करो, अपन 12 बजे रात के बाद इडली और सांभर फ्री में देता है, लेकिन उसके लिए 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। ओके, दोबारा फोन मत करना। चाकू करता रहे। आजा चाकू ले, आजा आजा आजा। इतनी रात को सुबह क्यों फाड़ रहे हो? चुप इडियट औरत, कुछ जानती नहीं तुम। हाँ नहीं फाड़ रहा, निकाल की तरह। ले रख 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 रख। सुनो यार फोप, आटा आटा आटा, रोटियां बनाओ। चुप शट अप, रोटी बनाओ। आटे का डिब्बा, आटे में, आटे का डब्बे में, घड़ियां घड़ियां घड़ियां, और इम्पॉसिबल। लेके आ लेके आ लेके आ लेके आ लेके। हेलो सामी, इडली सांभर फ्री होता ना? हाँ। तो 10 के बदले 20 प्लेट कर देना जी। स्वामी कल मैं 22 प्लेट इडली सांभर लेकर तुम्हारे घर पाऊंगा और हम दोनों बैठ कर नाश्ता करेंगे। इडली सांभर, इडली सांभर, इडली सांभर खेलेंगे, खाएंगे, खेलेंगे, खाएंगे। लेकिन फोन मत करना रे, फोन मत करना रे। भगवान जाने कहां कहां क्या क्या रखा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। इस आदमी के साथ रहकर मैं तो पागल हो जाऊंगी। भगवान जल्दी से लॉक कर, बराबर लॉक कर। अरे ये सुबह सुबह बैग लेके कहाँ जा रहे हो मिस्टर गोम्स? कहीं नहीं, वो अपन का सास का तबियत बरोबर नहीं ना, तो उसको देखने के वास्ते ससुराल जा रहे थे। हाँ तो ये पुलिस वाले तुम्हें तुम्हारे ससुराल ही तो बचाने आए हैं। हमें उल्लू बना रहे हो मिस्टर गोम्स, चोरी का माल ठिकाने लगाने जा रहे हो? यही आगे बढ़ो भाई। नाटक ये लोग का था, अपन तुम लोग का ये हिसाब चुकता करने वापस जरूर आएगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे मिस्टर गोम्स। अरे चल बे छोड़। पुलिस को देखकर गोम्स का मुंह ऐसे हो गया था जैसे बिल्ली को देखकर चूहे का। नहीं नहीं बड़ी बात कर यार, उसका मुंह कुछ ऐसे हो गया था जैसे शेर को देख के बकरी का होता है। तूने बड़ी बड़ी बात की भाई। ए वो लोग आ रही है। Excuse me. हाँ, होटल के चोरों को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन हमारा भी कुछ खो गया है। क्या? दिल। देखो फालतू चीजों के चोरों को हम नहीं पकड़ते। हाँ, हमें तो चोर का नाम भी पता है। तो फिर जाकर पकड़ लो। हमने भी पकड़ लिया। We'll be right back.
इश्क़ चाहत इश्क़ वफ़ा इश्क़ ज़िंदगी इश्क़ हर खुशी इश्क़ इबादत इश्क़ खुदा हमारे वकील को फोन लगाओ। जी महारानी।
मैनेजर साहब आ गए। नहीं महारानी, महारानी प्लीज प्लीज केस मत करिएगा, हमारे होटल की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। यही तो हम चाहते हैं, जनकपुर में हमारा पैर फिसला होता तो हम उस जगह पर बम लगाकर उसे उड़ा देते। सेक्रेटरी, हमारे वकील को फोन लगाओ। जी महारानी। नहीं 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 महारानी, मेरी बात सुनिए, हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे, मुआवजा देंगे। क्या कॉम्पनसेट करेंगे, क्या कॉम्पनसेट करेंगे, क्योंकि हम चाहे तो इस होटल को खड़े खड़े खरीद सकते हैं। नहीं, आप बैठी रहिए, आप बैठी रहिए। मेरा कहने का मतलब है कि हम आपको रॉयल्टी देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ पर जितने दिन चाहे रह सकते हैं, खाइए पीजिए जितने दिन मर्जी रहिए, लेकिन प्लीज प्लीज केस मत करिए। मेरे पैर की मोच से मेरा वेकेशन खराब हो गया, उसका क्या? कोई बात नहीं, उसके लिए हम डॉक्टर लाएंगे, उसके लिए हम आपको कार प्रोवाइड करेंगे, खाना प्रोवाइड करेंगे, जहाँ घूमना चाहेंगे जितने दिन चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त। ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, वरना इस होटल को खंडर होने से कोई नहीं रोक सकता था। बताइए हमारा रॉयल स्वीट कहाँ है? कैसी रही? बहुत खूब। वो मैनेजर का बच्चा आपके सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा मैडम। किसी को शक तक नहीं हुआ कि आप असली महारानी नहीं हैं। इसमें शक की कौन सी बात है, जन्म से ना सही, एटीट्यूड से तो हम महारानी हैं। यस। थैंक यू। आखिरी बार माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी, आज के बाद आपका सारा खाना हमारी तरफ से होगा मुफ्त। हमको क्या मुफ्त को समझा है? चुखाने का लालच दे रहे हो? नहीं नहीं महारानी, ऐसी बात नहीं, हम तो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी गलती होती क्यों है? नहीं महारानी जी, आइंदा से नहीं होगी। महारानी जी, आपका कैसीनो में टेबल तैयार है। हाँ जी महारानी, आपका कैसीनो में टेबल तैयार है, प्लीज प्रोसीड। ओह माय गॉड, मारिया कम ऑन, प्लीज गिव मी कॉइन। ये क्या महारानी जी, आखिरी पैसे हैं, अगर ये भी हार गए तो सिगरेट पीने के लाले हो जाएंगे। आज तक मैंने किसी को पैसे दिए हैं जो अब दूंगी। वेटर, या प्लीज ब्रिंग वन कॉफी फॉर मी। श्योर। माय गॉड, हमारे ऊपर गरम गरम कॉफी उबल दी। नो नो मैडम, दिस इज एन एक्सीडेंट। हर बार ये एक्सीडेंट हमारे साथ क्यों होता है? ये हमारे कत्ल की साजिश है, कोई ना कोई इस होटल में है जो हमारा खून करने की कोशिश कर रहा है। आप माफ कर दीजिए मैम, आखिरी बार, आई वांट एक्शन। आप जिस तरह का एक्शन चाहेंगे वो होगा मैम। सबसे पहले इस बदतमीज को होटल से बाहर निकालो। बट मैम, मेरी गलती क्या है? शट अप, यू आर एस्टिकेटेड। बट सर, मैं शट अप, शट डाउन, ऐसा गेट आउट प्लीज। डॉक्टर को हमारे कमरे में भेजो, आई वांट ट्रीटमेंट। यस यस, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। मेरी माँ ने अपना गहने और यहाँ तक कि अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया था मुझे यहाँ पढ़ने भेजने के लिए, और अब जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे यहाँ से निकाल लिया गया तो न जाने क्या बीतेगी उनके दिल पे। यार गुलशन, रो मत यार, प्लीज रो मत यार। हाँ गुलशन, प्लीज रो मत यार, जब तू रोता है ना तो हंसते हुए चंटू जैसे लगता है, तू रो मत। ठीक है, तुम तो हंसते हुए अभी कार्टून दिखते हो। हाउ डेयर यू, तुमने इंस्टीट्यूट के इतने ब्राइट स्टूडेंट का कार्टून कैसे कहा? ए रहने दे, अब तू मेरी खिंचाई मत कर,
और हम दोनों तो आपस में मजाक करते रहते हैं यार, तुमको क्या तकलीफ है? तकलीफ है ओके? हाँ तो रहने दो, फिलहाल गुलशन उससे ज्यादा तकलीफ में है। और इससे ज्यादा तकलीफ में वो हमारी कैसीनो की काउंटर गर्ल मारिया है। तुम लोगों को पता है किसी ने उसके टेबल से 3 लाख रुपए चुरा लिए। अब मैनेजमेंट ने उसे नोटिस दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर उसने पैसा नहीं लौटाया उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। अरे तुम लोग फिक्र मत करो यार। ए गुलशन, वो मारा नहीं है ना, तुझसे माफी भी मांगेगी और तुझे नौकरी पर भी रखवाएगी। वो मारिया के चोरी के पैसे भी मिल जाएंगे। अरे चल यार चंटू, ये सुंदरी और मुंदरी बहुत पका रही है। महारानी इसी तरफ आ रही है। हाँ सबके सामने बड़े स्टाइल से बोल तो दिया, महारानी से माफी मांगूंगा। अब क्या? अबे पहले ये पता तो लगाए कि असली महारानी है भी या नहीं। लेकिन कैसे है? चल बोटिंग को तो जा रहे हैं, पैसे हैं? अरे आज तक किसी को दिए हैं जो अब दूंगी। जी जनाब महाराज जी, वो आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। नहीं मैडम, वो सारी गाड़ियों का काफिला एयरपोर्ट गया हुआ है। नहीं, वो महाराजा ऑफ जनकपुर के स्वागत में। जी हाँ मैडम, हमारे होटल का रेपुटेशन दिन ब दिन आसमान को छू रहा है। महारानी ऑफ जनकपुर तो थी, अब महाराजा के आने से पूरा राज परिवार हमारा मेहमान हो जाएगा। माय गॉड, मैडम मुझे अब महाराजा के स्वागत की तैयारी के लिए निकलना पड़ेगा। महारानी जी सुना आपने, असली महाराजा आ रहे हैं। अगर वो आएंगे तो हम दोनों जेल में जाएंगे, उनके आने से पहले हम दोनों भाग जाएंगे। बट मेरी बात तो सुनिए महारानी, कमाल कर रही हैं आप। एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी फर्स्ट। हम चेकआउट कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं जाने दे सकते। क्यों क्यों नहीं जाने दे सकते? अरे देखो भाई, महाराज ने ये कहा है कि अगर वो यहाँ आए और महारानी नहीं मिली तो सबका सर कलम कर देंगे, इसलिए बस। क्या महाराज को ये पता है कि हम लोग यहाँ हैं? कमाल करती है महारानी आप भी। महाराज को तो पता ही होगा ना कि आप कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। वो क्या है कि हम उनसे रूठे हुए हैं, हम उनसे नहीं मिलना चाहते। तो देखिए महारानी, हो सकता है महाराज आपको मनाने के लिए यहाँ आ रहे हो और तब तक हम आपको नहीं जाने देंगे बस। अच्छा ठीक है, यहाँ रुकने की हमारी एक शर्त होगी। हाँ। कि जैसे ही महाराज आते हैं पहली मुलाकात हमारी कराई जाए। गॉड प्रॉमिस, आपके और महाराज के बीच में कोई नहीं आएगा। सुना तुमने, तुम मेरे साथ रहना, समझ गए? चलो। आए महाराज। माफ कर दीजिए महाराज। तुम्हारी जुर्रत ही कैसे हुई 3 टके की औरत हमारी महारानी बनकर फिरती हो? हमारे खानदान के नाम पर लगे हुए इस कलंक को हम तुम्हारे खून से साफ करेंगे। सेनापति तलवार निकालो। महाराज, एक गुनाह तो भगवान भी माफ कर देता है, अपनी प्रजा समझकर माफ कर दीजिए। जब तक जिएंगे दुआएं देंगे और ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। प्लीज। हाँ महाराज, सजा देने से ज्यादा महानता माफी देने में है, और आपसे महान कौन है महाराज? ठीक है सेनापति, तुम कहते हो तो हम स्त्री हत्याओं के पाप से तुम्हें बचा लेते हैं। मगर इनसे कहो इन्हें अपने सारे गुनाह कबूल करने होंगे। कहो क्या क्या कुकर्म किए हैं तुम लोगों ने? झूठ मूठ फिसल कर होटल में मुफ्त रहे। हाँ, और कसीनो में कॉफी गिरा दी और 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। खीर में कांच के टुकड़े मिलाकर फोकट में होटल में खाना खाया। होटल के बिल और कसीनो से चुराए हुए पैसे तुम्हें चुकाने होंगे। चुका देंगे। हाँ, चुका देंगे, चुका देंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये नाटक एक दिन और जारी रखना होगा, वरना ये होटल वाले तुम्हारी खाल उधेड़ देंगे। आज रात इन होटल वालों ने हमारे मनोरंजन के साथ कुछ खाने पीने का इंतजाम किया है। तुम्हें उस भोजन समारंभ में तुम्हारे सारे जेवरात असली पहनकर हमारी महारानी बनकर उपस्थित रहना होगा। मंजूर है, मंजूर है। राज, आइए महाराज, आइए, आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम महारानी एंड महाराजा ऑफ जनकपुर। महाराजा जनकपुर। जनकपुर के महारानी। महाराजा जनकपुर। महाराज खुश हुए? महारानी, इस सेवक को मोतियों के हार से अलंकृत कर दो।
क्या? अपना ये खूबसूरत मोतियों का हार इसे भेंट दे दो। नहीं। बहुत खूब महारानी, बहुत खूब। आओ आपका नाम क्या है बालिके? मारिया महाराज, मैं यहाँ के कसीनो में काम करती हूँ। महाराज खुश हुए। महारानी, इस बालिका को हीरो के हार से अलंकृत कर दो। लेकिन महाराज, ये तो 4 लाख का है। हमारी जबान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना महारानी? महारानी हमें तुम पर फक्र है। आइए महारानी, आइए। वेलकम वेलकम महारानी। महारानी, इस तरह पराये मर्द पर गिरना हमारे राजघराने की शान के खिलाफ है। महाराज क्रोधित हुए। अगर ऐसी गिरी हुई हरकत तुमने हमारे सियासत में की होती ना, तो हम आपको हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का हुक्म दे देते। हाथी मामा? नहीं नहीं। तो फिर इनसे माफी मांगो और इन्हें इनाम दो। माफ करना भाई, मुझसे गलती हो गई, मेरा पैर फिसल गया था। आइए महारानी। महाराज खुश हुए। महारानी, इन्हें भी कोई भेंट दो। महाराज, अब क्या बचा है मेरे पास? क्यों, ये अंगूठिया जो बची है बांट दो इन सब में। निकल नहीं रही महाराज। काट दो उंगलियां महाराज। नहीं नहीं, निकल गई। सत्यानाश हो महाराज का। 10 साल में लोगों से ठक ठक कर जो कमाया था 10 मिनट में इसने लुटवा दिया। अरे मैडम, जान है तो जान है, शुक्र करो जेल जाने से तो बच गए। महाराज, दुकान लुटते ही महारानी की तो चाल ही बदल गई। जा रही हो महारानी? हाँ, जाना ही पड़ेगा। गुलशन को माफ करने के लिए मैनेजर के नाम जो पत्र लिखने कहा गया था उसका क्या हुआ? अरे महारानी, आपका गला तो बिना मालाओं के सूना सूना लग रहा है। ये लो मेरी माला पहन लो। हाँ, नकली महारानी के लिए नकली हार, नकली महाराजा के तरफ से। तो तुम लोग कौन हो? इसी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी है मैडम। आप लोगों को सबक सिखाने के लिए ही हम लोग ने ये नौटंकी की थी। हाँ, क्योंकि इस दुनिया में अक्सर चोर पर मोर भी ली जाते हैं। अडियोस, बाय बाय अमिगोस, अमी बंदो। आज हमारी उसकी वो का वो हुआ है। हमारे होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग का और एक साल खत्म हुआ है। बराबर। और पहली बार इसके लिए वो हुआ है। पहली बार नंबर 1 के लिए दोनों स्टूडेंट्स को बराबर के मार्क्स मिले हैं और उनके नाम है चंटू और बंटू। दोनों नौजवान हमारे देश का भविष्य है। जहां भी जाएंगे सफलता के झंडे गाड़ेंगे। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस होटल में काम करेंगे उस होटल को सफलता की बुलंदी पर ले जाएंगे। वो करने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिला? प्यार करने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिला? क्या नाम क्या है उनके? चंटू और बंटू। अरे उनके नाम से ही मिडिल क्लास टपकता है। डैडी, प्यार कोई क्लास नहीं देखता है। लेकिन बेटी, हम हमारी बेटियों के लिए ऐसे दामाद ढूंढेंगे जो तुम्हारी डांट सुनने के बावजूद भी हमारा रिसोर्ट ठीक से चला सके। हाँ। क्या डैडी, कल आप दोनों ही तो स्टेज पे उनकी तारीफों के फ्लाई और बांधते हुए थकते नहीं थे। हाँ।
बेटी आपने वो कहावत सुनी है ना, क्या? हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और होते हैं। हाँ, और कल हमने उनको जो दिखाए वो हमारे वो थे। हाँ? वो दिखाने वाले दांत थे, आज चबा रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग भी सुन लीजिए, हम लोग दोनों उनके साथ भागकर शादी कर लेंगे। आपकी नाक कट जाएगी डैडी, आप लोगों पर थूथू करेंगे लोग, बीच बाजार में आपकी पगड़ी उछल जाएगी। ओ खुराना, बड़ा भयानक चित्र दिखा रही है। यार जरा इससे काम लेना पड़ेगा। गुंडों से? उनसे। अकल आ गई, मुझ में अकल आ गई। देखो बेटी, आप चंटू बंटू से कहो हमें आके मिले। ये वो क्या? बताता हूँ, आने तो चंटू और बंटू को मिलने। ऐसी चाल चलूंगा दोनों सामने से कहेंगे हमें आपकी बेटियों से शादी नहीं करनी है। वो कैसे? वाह, क्या कमाल का वो निकला है ना, कमाल का आइडिया सोचा है ना मैंने। आने दो चंटू और बंटू को, ऐसा मजा आएगा देखते ही रह जाओगे। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। पिछले 15 दिनों में सारे गोवा के होटल छान मारे, गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद मैनेजर की नौकरी तो छोड़, वेटर की नौकरी तक देने को कोई तैयार नहीं। हर इंसान पैसा मांग रहा है, कोई 25,000, कोई 50,000। हाँ यार, अभी तो सिर्फ उड़ीपी होटल बाकी है। ए, ए, वहां ट्राई करेगा? मजाक छोड़ यार, अभी तो पैसे भी खत्म हो गए, रात चने चबा कर गुजारनी पड़ेगी और सुबह बस पकड़ कर सीधा घर। अरे ऐसे कैसे घर जाएंगे, सुंदरी मुंदरी को क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना। ए, इस शहर में एक फाइनेंसर है जो अपने माल का बंदोबस्त कर सकता है। यानी रोकने का कौन है वो? यस, मे आई कम इन सर? हाँ, कम इन। गुड इवनिंग सर। अरे वाह चंटू वाह, भाई तुम तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, और क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में? हाँ जी, बस आपकी मेहरबानी है सर। सर वो कोई मासूम सी बच्ची आपसे मिलना चाहती है। बच्ची? जी। एडमिशन लेना चाहती है ना? पता नहीं सर। हाँ बुला। बहन जी आइए। यहाँ नहीं तो और कहाँ जाऊंगी नाथ। hey, दूर रख अपना हाथ। और ये क्या है? बच्चा, आपने की देन है। अरे मैंने पर्स दिया था, मैंने चेन दी थी, ये थोड़ी दिया था मैंने। तुम खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बोलो ना। जी सर, मुझे कैसे पता चलेगा, मेरी एंट्री तो क्लाइमेक्स के बाद हुई थी। लेकिन भैया क्लाइमेक्स से पहले पिक्चर में कुछ था भी नहीं। मैं यही रहूंगी, मैं और कहीं नहीं जाऊंगी। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरह के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। आप इसे 50-60 हजार रुपए देके रफा दफा करिए। ठीक है, 50-60 लाख 2 लाख दे दीजिए। लाख 2 लाख चल निकल यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से, और उल्टा तू मेरी नजरों के सामने से बिल्कुल 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 दूर हो जा। हाँ? तो इस मासूम बच्चे का सारा कौन रहेगा नाथ? इतना बड़ा धोखा उल्टा। छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगा। क्या बात कर रही हो, खन्ना खुराना साहब ने हमें मीटिंग पर बुलाया, और वो भी हमारी शादी की बात करने। और क्या, इसलिए तो हम पिछले 4 दिनों से तुम लोग को ढूंढ रहे थे, और तुम लोग होके यहाँ पर भेलपुरी खा रहे हो। आइला अपनी तो निकल पड़ी यार। हाँ यार, ये मजाक का वक्त नहीं है, तुम लोगों की इस मीटिंग पे ना हमारी आगे की पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। हाँ यार सोनी ठीक कहती है, इसी मीटिंग के बाद हमें पता चलेगा कि हम लोग विरार की खोली में रहेंगे या पाली हिल के बंगले में, हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में बगर खाएंगे या म्यूनिसिपैलिटी स्कूल के बाहर वड़ा पाव। क्या बात करता है, ये मीटिंग इतनी सीरियस है क्या? हाँ यार, इस मीटिंग में ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी ना कि लाइफ की सारी फिटिंग हो जाए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेटिंग? एक्सक्यूज मी, वैसे आपके पिताश्री पूछेंगे क्या? आप दोनों में ऐसा क्या है जो देखकर हमारी बेटियों की शादी हम आपसे करवाए? हाँ सब कुछ तो है सर, दो पैर दो हाथ दो कान दो आंख और एक बात, नाक सर नाक। आगे मत बढ़ना। अरे वैसे तो गधे को चार चार वो होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी बेटी की वो उनसे करवा दें। यानी हमारी बेटियों की शादी करवा दें? बच्चों जिंदगी जब वो बनकर सामने आती है ना, तो बड़े बड़े वो दिखाकर भाग जाते हैं। क्या दिखाकर सर? अरे जिंदगी जब चैलेंज बनकर सामने आती है तो बड़े बड़े पीठ दिखाकर भाग जाते हैं।
सर हम किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं सर। एक बार फिर सोच लो। हाँ सर, अगर ये सोच लेता तो पहलवान नहीं बनता ना, लेकिन अब इसने हाँ कह ही दिया है तो बोलिए क्या चैलेंज है। बता दूं, हमारा एक वो है जो किसी काम का नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो सर? अरे अरे अरे, वो हमारे हेल्थ रिसोर्ट की बात कर रहा है। अच्छा, वहाँ के एक लोकल गुंडे ने तोड़ फोड़ करके बंद करके रखा है। अगर आप वो रिसोर्ट फिर से चालू कर दो और कम से कम एक साल तक चालू रखो, तब हम आपको हमारे दामाद स्वीकारने की सोच सकते हैं, है ना? हाँ, लेकिन तब तक आप दोनों हमारी बेटियों से नहीं मिलेंगे। डैडी, दिस इज चीटिंग डैडी। देखो डैडी, अगर आपको शादी से इनकार है ना, तो सीधे सीधे मना कर दो। हाँ, कम से कम उन गुंडों के हाथों तो हमारे प्यार का खून कराने की साजिश तो मत कीजिए। अरे अरे, उन्होंने खुद कहा है कोई भी चैलेंज वो उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन इन्हें थोड़ी ना मालूम था कि आप इन्हें मौत के कुएं में धकेलोगे। लो बोलो, अरे चैलेंज में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, अरे भाई, उठाने वाले में वो होना चाहिए, दम होना चाहिए। सर, दम तो इतना है कि अगर हम सिर्फ सामने खड़े हो जाए ना, तो चैलेंज खुद दम तोड़ देता है। अच्छा, ज्यादा तो नहीं बोला ना। हाँ सर, हम सिर्फ आपका रिसोर्ट चालू ही नहीं करवाएंगे, बल्कि उसमें जिसने तोड़ फोड़ की है ना, उसी से रिपेयर भी करवाएंगे। सुना तुमने? ये मरा। अगर ऐसा हुआ तो फिर आप दोनों हमारी बेटियों से मिल सकते। प्रॉमिस प्रॉमिस। क्या तेरा मरवाई का क्या? अरे पंगा ले लिया, भिड़ जा भी। ससुर जी, शादी की तैयारी कीजिए। हाँ पीटर, आज हमारी इस होटल में दो बहुत अमीर गेस्ट आए हुए हैं, ऐसा खाना बनाना कि तबीयत फिर जाए, समझा? और तुम उस होटल का मालिक हो? हाँ। बड़ा कटिया होटल है ये, दिन दिहाड़े लोगों को लूटता है। क्या बकवास करता है? बकवास? और मैंने तंदूरी मुर्गा मंगवाया था, पैसे तो तूने पूरे लिए, मगर मुर्गे की एक टांग थी। तो मुर्गे की एक टांग होती है क्या? वो देख। ये देख, ऐसी सीटी उस तंदूरी मुर्गे को भी मारता, वो भी दूसरी टांग निकालता ना। चल जा यहां से। बड़ा कटिया आदमी है। सर, उन दोनों को मैंने पूरा होटल दिखा दिया, लेकिन सर वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, कहाँ है वो? बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह माशाल्लाह, जन्नत। मरहब्बा मरहब्बा। थैंक यू। तुम्हारा होटल तो एकदम खूबसूरत लगती। हमारा सुल्तान को ऐसे ही जगह छुट्टी के लिए मांगती है। रफीक, तुम हमको ये बताओ, तुम एक महीने के लिए ये पूरा होटल हमको दे सकती? क्या, एक महीने के लिए पूरा होटल? हाँ, सुल्तान का 20 बेगम और बाकी सब गुलामों के लिए। 20 बेगम साथ में लेकर चलती, 30 हरम में होती, यानी 50। अगले साल 10 निकाह और करने वाली, 60। तुम सिर्फ हमको ये बताओ कि तुम हमको होटल दे सकती कि नहीं दे सकती? दे सकती ना, गायको नहीं दे सकती। एक रूम का किराया 5,000 होगा। ओए खबीस, तुम क्या बात करते, हम तुमको $4,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। मैं तो 5,000 रुपए सोच रहा था, ये तो $4,000 यानी 2,00,000 रुपए रूम का किराया। एक खबीज, इतना पैसा तो हम यूरोप और अमेरिका में भी देती। अरे तुम हमको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देती तो हम भी तुमको देती। तो हम भी तुमको देते, अगले जुमेरात को $5,00,000 हम तुमको देती पेशगी, लेकिन होटल का कमरा, टॉयलेट, लॉबी सब कुछ चकाचक मांगती। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, इसकी माँ का पूरा होटल रिनोवेट करा। ये हॉल ब्लॉक हुआ दिल्ली वाला जुवाला, उसामा बिन लादेन, ये होटल के सामने किसका मजार होती? अच्छा वो, अरे नहीं नहीं, वो मजार नहीं है, वो टूटा हुआ रिसोर्ट है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कब्रिस्तान दिखती, सुल्तान इधर नहीं रह सकती। हाँ, तुमको मालूम, सुल्तान को आगे पीछे आजू बाजू सब तरफ खूबसूरती मांगती। तुमको मालूम, सुल्तान की एक बेगम के मुंह पे पिंपल होती तो सुल्तान ने पूरा मुंह के प्लास्टिक सर्जरी कर देते। बोलो रफीक, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, खत्म शूट, खत्म शूट, खत्म शूट। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे वो सरदार जी, मेरी बात तो सुनो, वो रिसोर्ट में रिपेयर करवा दूंगा ना। क्या, वो रिसोर्ट तुम रिपेयर कराएगी? क्यों? तोड़वाया भी तुमने था ना। क्या, तुम तोड़वाया था? नहीं, एक्चुअली मैंने नहीं, वो तोड़फोड़ में मेरे बड़े भाई साहब का हाथ था। तुम्हारा वो तोड़फोड़ भाई किधर है? अभी तो वो जेल में है। वो क्या हुआ, तोड़फोड़ के टाइम वो एसीपी को लाफा, वो जाने दो वो सब। एक हफ्ते के अंदर है ना, मैं रिसोर्ट आपको एकदम चकाचक करके दे देता। ठीक है, तो हम भी तुमको एक हफ्ते के बाद ही एडवांस देगी, चकाचक। सलाम वालेकुम। खबीस, सत श्री अकाल। अभी अभी
माशाल्लाह तुमने काम तो बहुत ठीक किया, मगर सामने वो जो छत है ना वो खाली खाली बहुत खराब दिखती। एक काम करो, तुम्हारे होटल में वो जो कांच का बड़ा सा झूमर है ना वो वहाँ लगा दो। तो फिर हमारा होटल का छत खराब नहीं लगती? उसका फिक्र नहीं करने की, सुल्तान जहाँ भी रहती वहाँ डायमंड का झूमर लगा देती। डायमंड का? पहले अपने होटल का झूमर इधर लगाओ, डायमंड का भाव मालूम है क्या तुमको? ये दरवाजा भी बहुत खाली खाली लगती, इधर तुम्हारे जैसा शोपीस अगर जरा खूबसूरत लगवाती। हाँ हाँ, दो चार लगा दीजिए उसमें क्या। शाबाश, तुम इतना मेहनत करती, सुल्तान तुमको एक तेल का कुआ गिफ्ट करेगी। तेल का कुआ? गर्मी में इतने सारे बजे तलूंगा। और पेशगी? पेशगी जुम्मे की रात को मिलेगी, चलो बिरादर। थैंक यू सरदार जी। यस, स्टाइल में रहने का। एक्सक्यूज मी सर। क्या है? सर मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स खत्म किया और मैं नौकरी चाहता हूँ। यहाँ कोई नौकरी वोकरी नहीं है। सर मैं कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट था। मैं गोल्ड स्मगलर था। तो सेक्रेटरी, वकील को फोन लगाओ। जी महारानी जी। मैडम जी, वकील को बुलाने की क्या जरूरत है? इस होटल में हमारे खिलाफ खून की साजिश की गई है। मैडम देयर मस्ट बी सम मिस्टेक। मैडम मैं अभी आपकी आइसक्रीम बदलवा देता हूँ और आपका सारा खाना होटल की तरफ से बिल्कुल मुफ्त। अरे यार, ये मैनेजर है कि डैमेजर? नहीं मतलब डोंट माइंड, ऐसे तो ये होटल बिकवा देगा तुम्हारी। अरे ठीक ही तो कर रहा है। अरे वो केस करेगी तो मेरा होटल भी बिक जाएगा और घर भी। अरे क्या ठीक कर रहा है सर, डोंट माइंड, लेकिन अपना अपना स्टाइल होता है। अगर मैं होता ना तो महारानी बिल भी भरती और टिप भी देती। अच्छा, अगर तू सक्सेसफुल हुआ ना तो वो मैनेजर को मैं लात मार के निकालेगा और तुझे मैनेजर रख लेगा। प्रॉमिस? बाप प्रॉमिस। वॉच मी। प्लीज हमारे सेक्टर को चलाओ। फोन मत लगाइए भाई साहब, प्लीज आइए। तुम पुरानी पहचान है हमारी, मैं इनको समझा दूंगा, आप जाइए प्लीज। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जहाँ महारानी होगी वही महाराजा होगा ना। पुलिस को बुलाना है? बुला लेते, पर्स में पड़े कांच के टुकड़े भी दिखा देते। आबदा बदा। आबदा बदा? कौन सी भाषा है भाई? जनकपुर। क्यों हमारे पीछे पड़े हो? क्यों हमारे आगे आती हो? देखो यहाँ से भी मैं तुम्हें सलामती से जाने दूंगा, इज्जत से ये बिल दे दो, अच्छी सी टिप रख दो और मुस्कुराती हुई निकल जाओ। रख दूंगी। गुड। आबदा बदा, अभी तू भी जा, इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। अरे यार, तूने तो कमाल कर दिया, तू आदमी है क्या? कौन, क्या बात की उनसे? सर ये मत पूछिए, सर राजा हो या प्रजा मैं सबको ऐसे ही मैनेज करता हूँ। वेरी गुड, आज से तू इस होटल का मैनेजर। थैंक यू सर। और मैं? तू बेकार। नहीं 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 सर, इनके पेट पर लात मारकर मैं अपना पेट नहीं भरना चाहता, इन्हें कोई और पोजीशन दे दीजिए। ओके, जा तू लॉन्ड्री मैनेजर। थैंक यू सर। थैंक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। देखा, इनकी तो ये चालू हो गई, हमारी वो बंद हो जाएगी। हाँ, होटल चालू हो गई, हमारी बोलती बंद हो जाएगी, और क्या। अरे हमारे हाथ से तो वो भी गई। कौन? लड़कियाँ। क्यों ससुर जी, देख लिया ना, शर्त तो याद है ना? शर्त? हाँ, अब तो मिल सकते हैं ना हम आपकी बेटियों से। और सुनो, पता है ना सुंदरी मुंदरी को कहाँ भेजना है? कहाँ? मैं तो
प्यार कर रहा है लेकिन क्यों कर रहा है, क्योंकि दिल बोल रहा है। आज गुल बदन तेरे लिए अपुन चार घंटा वेट है किया, कुछ ख्याल कर अपन से प्यार कर, ऐसे कल्टी लेके तू न जा। प्यार कर रहा है लेकिन क्यों कर रहा है, क्योंकि दिल बोल रहा है। सुल्तान एक बार इधर आएगी ना, फिर बार बार आएगी, देखना। Excuse me, sir. तुमको कहीं देखी है हम शहजादा? सर, मेरे को नहीं देखा होगा सर। सर, एक मिनट जरा आप साइड में आएंगे, एक मिनट। क्या सर, ये सुल्तान और बुखारा यहाँ आ रहा है? सर ये लीजिए। देखिए मेरा रेजिग्नेशन। क्यों सर? ये सुल्तान सुल्तान नहीं, शैतान है। क्या बात कर, हमारा पागल दीवाना है। Don't tell me. हाँ सर, 20 बेगम और गुलामों के साथ आता है। दो साल पहले जब मैं मलेशिया में था ना, तो वहाँ के होटल के मालिक ने गलती से उसकी 13 नंबर की बीवी को घूर लिया था, तो उसने उसकी आंखें निकाल ली। क्या?
हाँ सर, और पिछले साल अभी मैं जब जकार्ता में था तो सुल्तान को ठंडा सूप दे दिया गया, तो उसने वहाँ के मालिक को गरम तेल की कढ़ाई में डलवा दिया। मैं नहीं मानता। मत मानिए, खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए। अरे जिंदा बच्चों के साथ बुशकाशी खेलता है। बुशकाशी क्या है? खुदा गवाह देखी थी? हाँ, तीन बार। पठान लोग घोड़े पर दौड़ कर आते हैं, दबड़क 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 दबड़क, पर मरे हुए बकरे को भाले से उठाते हैं। जिंदा बच्चों को उठाता है। बाप का राज चलता है क्या? अरे बाप का राज ही चलता है सर, तेल के कुएं उनके पास। जिस देश में जाते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को एक कुआ गिफ्ट कर देते हैं, फिर कहाँ का कानून और कहाँ का रूल। सर मेरा रेजिग्नेशन लीजिए, फिर भले वो आपकी आंखें निकाले, आपको तेल में तले या आपके बच्चों के साथ बुशकाशी खेले, मुझे नहीं करनी है। मुझे भी जिंदा रहना है यार, ऐसा कस्टमर मुझे नहीं चाहिए, बुशकाशी नहीं चाहिए ऐसा। ओए खबीस, तुम ऐसे कैसे बुकिंग नहीं देगी? आए हमारा शेख इधर आएगी, तुम्हारे साथ बुशकाशी खेलेगी, बल्कि उससे पहले हम तुमको गोली मारेगी। एक मिनट सर, ये क्या कर रहे हो? तुम बीच में बोलेगी, हम तुमको भी शूट करेंगे, हम तुमको नहीं छोड़ेगी, निकल बाहर। सुल्तान का ट्रेलर इतना खतरनाक है तो वो कितना खतरनाक होगा। ओए खबीस का बच्चा, बुशील का माफिक, अंदर क्या चुपती है, बाहर निकल, या तो गोली खाएगी या बुकिंग देगी। लेकिन पहले इसको बाहर निकालो। कुछ पैसे हैं? पैसे कितने? अरे ज्यादा नहीं, 40-50 हजार रुपए, इसका मुंह बंद करना पड़ेगा ना। 50 हजार? अरे जिंदा रहे तो और कमा लेंगे यार। बाहर निकल बुशील, या तो बुकिंग देगी या गोली खाएगी, निकल। हम बाहर आती बच्चा, अगर आज ये बच्चा नहीं होती तो आज हम तुमको गोली मार देती। चला गया। थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तूने मेरी जान बचा ली। नो प्रॉब्लम सर, मैं तेरा इंसान कभी नहीं भूलूंगा। ये रख ले। ये रख ठंडा भी पिला सर। रामखोर ने हमने जो होटल रिपेयर किया उसको फिर चालू कर दिया, इसको तोड़ फोड़ के मैदान बनाना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हो साहिबा जी, जाकर अपने भाई के साथ जेल में बैठना है क्या? थोड़ा अकल से काम। अकल से काम लेना अपना काम नहीं। कोई बात नहीं, मेरी अकल किस दिन काम आएगी। गोवा का सबसे अच्छा होटल। क्यों साहिबा जी, सही है ना? इंडिया का सबसे अच्छा होटल। अच्छा, एशिया का सबसे अच्छा होटल ये ले। दुनिया का सबसे अच्छा होटल। कोई बात नहीं, देखता हूँ इसको। मेरी जात का पैदा मान। इस गली का सबसे अच्छा होटल। अबे लगा बोर्ड। ए, शाना बनता है क्या? एक दूंगा रख के मुंह पे, सो जाएगा जीव पे। ए जा ब्लू लंगूर। हाँ दिखता है, सब दिख रहा है। ए शाने क्या रख के देगा बे? हाँ क्या रख के देगा तू? देखा क्या? अबे डोले क्या दिखाता है, ये पेट देख, पेट, ये पेट इतना मजबूत है ना, तेरे गरम गरम डोले बर्फ के ओले बन जाएंगे। चल जाने दे क्या? ए तू ट्राई करके देख। साहिबा जी पेट आगे निकालो, बिन्ना आगे निकालो, मैं बोल रहा हूँ निकालो। अबे निकाल, शाबाश साहिबा जी। हंसता क्या है, पूरे दांत बाहर निकाल दूंगा, समझा क्या? ये दांत में वो बात है जो तेरे हाथ में नहीं है, समझा क्या? एक मिनट। देखा, डेंटिस्ट का खर्चा बता दिया, ये तो ऐसे भी तुड़वाने थे। खोपड़ी है बॉस, हमारे बॉस के पास खोपड़ी है। तो अब मैं इसकी खोपड़ी फोड़ डालता हूँ। हाँ फ्रैक्चर करवाना है। अबे ये खोपड़ी नहीं हेलमेट है, ट्राई करके देख। साहिबा जी खोपड़ी आगे लाओ। नहीं नहीं बस बस। अरे नहीं साहिबा जी, इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। तुम लोग मेरी औकात मुझे दिखाओगे? हाँ एक मिनट रुका। Five buffet, 32 types,
300 रुपए। अरे ये क्या, यहाँ एक आदमी का 600, वहाँ एक आदमी का 300। चलो वहीं चलो, आ जाओ सब लोग। अरे यार ये सब लोग तो उधर जा रहे यार। हाँ साले ने पूरा लंच 300 रुपए में कर डाला ना, जाकर तोड़ डालते साले को। रुक जा यार, अरे उसका हाथ थोड़ा भारी है। लेकिन सर ये जो खाना पका हुआ है उसका क्या करेंगे? बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे भाई सुनो, तुम्हारा थोड़ा नुकसान मैं कम करा सकता हूँ। तुम? हाँ मैं। क्या है कि हमारे होटल में अचानक बहुत सारे गेस्ट आ गए और खाना तो हमने उतना पकाया नहीं है। तुम्हारे पास तो काफी खाना बचा हुआ होगा। क्यों? तेरी वजह से। 200 रुपए पर प्लेट देना है? बेवकूफ समझाएगा मेरे को? हमारा ही खाना हमारे कस्टमर को बेच के हर प्लेट पे तू 100 रुपए कमाएगा। दे दो सर। 200 तो 200 आ ही रहे ना। बचा हुआ खाना खाकर कुत्ते और डुक्कर तो पैसे देंगे नहीं। दे दो सर। अपनी नाक नीचे नहीं हो जाएगी? नाक और टांग दोनों ऊंची रहेगी। ए पहलवान, ए हम लोग कमाने के लिए खाना तुम्हें नहीं बेच रहे, बल्कि तुम हमारी दर पर आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ले जाओ खाना। तुम भी क्या याद करोगे किसी दिलदार दुश्मन के साथ पाला पड़ा था। ले जाओ। क्या होना था, उसी का खाना उसी को बेचकर इसने 100 रुपए पर हेड प्रॉफिट बनाया। ऐसा होगा तो उनका तो होटल ही बंद हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना हमारा होटल हफ्ते में कमाता है ना, इसका होटल सिर्फ शनिचर की रात को उतना कमा लेता है। वो कैसे? अरे शनिवार की रात को वो लड़कियों से कैबरे करवाता है ना। तुम ऐसी जगह नौकरी करते हो? फौरन नहीं नौकरी छोड़ो ये। अरे पगली, शनिवार की रात को मैं आंखें बंद करके नौकरी करता हूँ। डांस वांस ये सब बंद करवा देना चाहिए, ये सब गैर कानूनी है यार। ए पागल, वो ऊपर तक सेटिंग होती है, समझी क्या? तेरी ऊपर की सेटिंग करूँ क्या? अरे नहीं, लेकिन हमें इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, यार बहुत टाइम हो गया हमने फॉर्मूला नंबर 36, 24, 36 नहीं यूज किया। वो क्या है? वही 36, 24, 36। डांस बंद कर देते। क्या बकवास कर रहा है, डांसर से कमाए पे तो होटल चल रहा है, वो भी बंद कर देंगे तो कमाएंगे क्या? साहिबा जी मैं सिर्फ शनिवार की रात को डांस बंद करने को कह रहा हूँ, ताकि सामने वाले की होटल हमेशा के लिए बंद हो जाए। ओके सर। देखो हम हमारे होटल के यहाँ डांस नहीं रखवाएंगे और सामने वाले की होटल के बाहर डांस का बोर्ड मार के आएंगे। यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे लेकिन वहाँ तो डांसर होंगे ही, तभी पब्लिक भड़क जाए और उस पब्लिक में बैठे हमारे पक्षों ने और भड़काएंगे और फिर तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, क्या बोलते हो? तेरी शक्ल इंसान की और खोपड़ी लोमड़ी की है। तू शक्ल से उल्लू और अकल से गधा है। कुछ कहा नहीं सर, बियर सर पी लीजिए। आज डांस ब्लू लगन में, चलो चलो नहीं डांसर्स होंगे, चलो चलो। हेलो, हाँ क्या हुआ? पब्लिक भड़क गई है साहिबा, मैनेजमेंट का हालत बहुत खराब हो गया। इन लोग के पास तो सारा डांसर था ही नहीं। अब बबाल शुरू कर दो और जैसे पब्लिक भड़क जाए ना, तोड़ फोड़ डालो उसकी माँ का, फोड़ डालो। ए लड़की को लेके रो जा। Excuse me.
वो डांसर्स आई कहां से? मालूम नहीं साहिबा, पर एकदम नया माल लगता है। अबे नए माल को महिला का? ओके साहिबा। ये सब तेरा प्लान था ना? ये प्लान फेल हो गया ना, तो गया तू, समझा क्या? जा जाके कुछ कर। मैनेजर तेरी जात का, तेरे को होटल तोड़फोड़ करने भेजा था ना, तूने अपने आदमी को फोड़ डाला, अभी फोड़ू क्या तेरे को? किसने कहा आपको? किसने कहा क्या, वो कल्लू को तूने ऐसा गुस्सा मारा, इतना बड़ा कांच का दरवाजा तोड़ के वो बाहर गिरा, और वो अपना सुखदेव उसको तूने खुर्ची उठा के ऐसा मारा, सीधा बार काउंटर पे गया, बार काउंटर उसके ऊपर, और क्या, और राजू को तूने ऐसी लात मारी कि वो अलमारी से टकराया और कांच का सामान उसके ऊपर। तो इसमें क्या समझे आप? समझने का क्या है? अरे क्या यार साहिबा जी, आपके मुसंडे आपका खाना खाते दो दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस तोड़फोड़ में उसका कितना नुकसान हुआ वो तो सोचो, कम से कम 10-15 लाख का फटका मारा मैंने उसको। छोड़ो ना यार साहिबा जी, आप भी तुम भी यार। अरे यार दलवी के कौन चलो नुकसान में भी नफा करवाता है। फिर हाँ वो देखो ना, वहाँ कल तक जहाँ हसीनों के घने बालों जैसी हरियाली छाई हुई थी, आज वहाँ टकलू के टकले जैसा वीराना है। गोवा का सबसे अच्छा होटल। अरे गोवा का सबसे बड़ा खंडर। ये
ये हंस क्यों रहा है? बर्बादी के गम में पागल हो गया। ये कौन है यार? ये इंश्योरेंस वाले लगते हैं। क्या हुआ सर? हमने डिस्को के पूरे नुकसान का जायजा ले लिया। सर हमको इंश्योरेंस का कम से कम 50 लाख रुपया भुगतान तो देना ही पड़ेगा। 50 लाख? अरे 4 दिन पर इंश्योरेंस का 12 दिन क्लेम देना पड़ेगा। पहले से ही इंश्योरेंस करवा के रखा। अब क्या करे सर, डिस्को तो नया फिर से बनाना ही पड़ेगा। उसमें बेल्जियम से कांच का बारीक सामान, अमेरिका से चकाचक डिस्को लाइट्स, लंदन से क्वालिटी साउंड सिस्टम, ढकचिक। देख देख कैसे सुना रहा है। सुना नहीं रहा है, जला रहा है साहिबा जी। इन सब चीजों में पैसे तो खर्च होते ही है ना सर। हाँ लेकिन बनेगा जरूर नंबर वन डिस्को। क्यों? चलो अंदर चलो साहिबा जी। चलो। अरे बेटा चंटू, मैं और तेरी मम्मी इस उम्र में यहाँ का ये सेट घर बार छोड़कर वहाँ गोवा कर क्या करेंगे? उम्र तुम्हारी ढली होगी, मेरी नहीं। अरे डैड सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय और उसके बाद बड़ा सा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट और फिर रूम में जाकर आराम। अरे डैड और बाद में स्विमिंग पूल में एक छोटा सा डिप हो जाएगा। मगर बेटा चंटू ये बता, तेरी माँ इस उम्र में स्विमिंग पूल में जाएगी कैसे बेचारी? अच्छा तुम्हारी माँ जाएगी ना पूल में? लो इधर फोन दो। अरे डैड मम्मी को शॉपिंग के लिए भेज देंगे ना। हाँ और फिर इवनिंग में बीच पर हम दोनों एक हेल्दी वॉक के लिए निकल जाएंगे। नहीं नहीं रात को तो मैं आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन विस्की के 2 पैक पिलाऊंगा डैड। अरे चलो बेटा 2 पैक तो ठीक है लेकिन पैक जरा पटियाला होना चाहिए, डबल। हाँ हाँ चखने के लिए भी कह दो ना। थैंक यू बेटा, जरा चखने का भी इंतजाम रखना। हमने इतनी मेहनत से इतनी लगन से अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आप हम पे गर्व कर सके डैड। अरे डैड आप एक बार आइए तो सही। हाँ बहुत आराम मिलेगा। अरे अच्छा डैड मैं आपको मेन चीज तो बताना भूल ही गया। अरे आपके लिए मैंने एक सरप्राइज तैयार रखी है। कैसा सरप्राइज? हाँ आपके आने के बाद ही बताऊंगा आपको। जी सरप्राइज है। अच्छा काटता हूँ, गोवा टू बॉम्बे बहुत महंगा पड़ रहा है। बाय बाय बाय। ओके बेटा बाय। मेरा बेटा गेरे गेरे साहिबा प्यार में। क्या बात है साहिबा जी, आज बड़े मूड में हो, सीधा नाइट लैंप से ट्यूबलाइट। अरे जब से वो कमीने ने सामने होटल खोला है ना तब से धंधे की तो सारा वाट लगी पड़ी है, लेकिन आज बड़े दिनों बाद एक अच्छा टूरिस्ट ग्रुप आ रहा है। साला पहले क्यों नहीं पता चला, वरना वो ग्रुप को सीधा चंडू की होटल पहुंचा देता। कहा? नहीं सर वो आ कौन है? अरे वो मुंबई के कॉलेजेस की कुछ कॉन्फ्रेंस है, वो लोग आ रहे हैं। अरे आजा आजा जल्दी जल्दी जल्दी। वेलकम टू गोवा। वेलकम मैम, वेलकम। आइए प्लीज आइए। वेलकम सर, आइए प्लीज सर आइए। बंटू इसकी माँ की जय, ये खजूर कहाँ से आ गया? हेलो सर, हेलो, व्हाट अ सरप्राइज। तुम टाई पहन के यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ये हमारे होटल का मैनेजर है, आप इसे जानते हैं? जानता हूँ। अरे ये मेरे कॉलेज में तो पढ़ा करता था। अरे पढ़ते थे, हम सबको पढ़ाते थे ये दोनों मिलके। अरे कोठारी, अच्छा वो तुम मिल गए। वो बॉम्बे से गोवा तक तुम सबको मैं जिनके कारना में सुना सुना कर हंसाता था ना, वो चंटू बंटू वो यही तो है बंटू। अच्छा अच्छा। हाय हाय हेलो। अरे लेकिन बंटू वो अपना चंटू कहाँ है? सर आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, बाद में बात करेंगे हम लोग। यही पर है ना वो? नहीं मैं किसकी बात कर रही हूँ, था वो एक दोस्त अपना। अरे क्या बात करते हो, चंटू के बारे में बताया नहीं इसने आपको? अरे दोनों की बिल्ला रंगा की जोड़ी थी। अच्छा कभी जुदा हो ही नहीं सकती, कमाल का चूना लगाते थे दोनों। चूना? सर क्या बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारी तारीफ ही तो कर रहा हूँ मैं, तो कहता हूँ मास्टर थे दोनों। आपको कहेंगे दाढ़ी बना रहा हूँ और आपको कभी टकला कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। खड़े खड़े आदमी को पोपट बना देते। सर रहने दो ना, जो बीत गई सो बीत गई, वो अब क्या। अरे हाँ लेकिन वो है कहाँ? नहीं वो तो कहीं और, वो नौकरी कर रहा है वो। क्यों? नहीं यहाँ पे तो एक ही आदमी की जगह थी ना तो। अरे तो दूसरी जगह बनाओ। ये तुम्हारे सेठ है ना? साहब सर देसाई, मैं एक आइडिया देता हूँ, $1 million आइडिया। आप अपने रिसोर्ट में एक और जगह बनाओ और चंटू को वहाँ अपॉइंट करो, और फिर देखना साहब ये चंटू बंटू दोनों एक बार मिल गए ना तो गोवा के दूसरे सारे रिसोर्ट्स को ताला लगवाकर आपका रिसोर्ट टॉप पे पहुंचा देंगे। क्या बात कर रहे हो, गारंटी। लेकिन इसने कभी बताया नहीं कि इसका कोई दोस्त है। देखो जाओ जाओ उसके जरूर बुलाओ। नहीं नहीं वो पता नहीं कहा है, बहुत दिनों से मिला नहीं मेरे को। अरे नहीं 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 पैसे वैसे की फिक्र मत कीजिए। अरे चंटू, अरे सुनो, अरे बंटू अपना चंटू तो वहां है। ए चंटू, अरे चंटू चंटू चंटू।
कौन वो? हाँ, अरे वही वही वो बॉडी बिल्डर मटन की दुकान। अरे नहीं नहीं वो हमारा जानी दुश्मन है, वो इसका दोस्त कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हैं ना आप मजाक कर रहे हैं। नहीं वो चंटू है, वो इसका दुश्मन कैसे हो सकता है? दोनों मिलकर किसी की गेम कर रहे हो गे यार। क्या बात, क्यों बात कर रहे हो वहाँ पे? बंटू सच सच बता दो, किसका कल्याण कर रहे हो? हमारा। देखा? नहीं साहब। क्या? चंकू राजा राम अस्पताल। तेरी तो मैंने कुछ रोचा किया क्या? रोचा नहीं लफड़ा किया। तू तेरे को आज तक चली नहीं क्या? क्या बात कर रहा है यार? तेरी चाल कहाँ गया? चंडू, चंडू देसा ने बहुत बड़ा लोचा मार दिया। साहिबा को पता लग गया कि हम दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं। तो उसका मुंह बंद करना चाहिए था ना? अरे बहुत कोशिश की यार, मगर बुढ़ा भाया गया था, कंट्रोल में ही नहीं आया। अरे तो साले का गला दबा देना चाहिए था। अरे अब जो हो गया सो हो गया, ये सोच को ये साहिबा को कैसे कंट्रोल करे? तू जा मैं देखता हूं। हां आयशा तू जा मेरे भाई, तू जा। अरे किधर से मेरा पूरा हॉट तो देखा है तू भी साला उसके साथ मिला हुआ है ना? तेरी मार साले को। मेरे साहिबा को मार दिया, मेरे साहिबा को मार दिया, मेरे साहिबा को मार दिया, मेरे साहिबा को किसने मारा? किसने मारा? किसने मारा? भाई आप बोल कमीने, कौन था वो जिसने मेरे भाई को मारा? मैं नहीं जानता, वो पिछले कुछ दिनों से ये होटल चालू करके रह रहा था बस। क्या नाम है उसका? चंटू, चंटू नाम है उसका। उस देख साले मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मैं जहाँ जाके छुपूंगा वहाँ की खबर तुझे करूंगा, और तुझे उस लड़के का पता चलते ही मुझे खबर करना, समझा? जा रहे हो साहब? आ रहा। वापिस कब आओगे साहब? अबे इधर क्या, तुमने फाइव स्टार होटल खोल के रखा है जो पूछ रहे हो कब आओगे? साहब इधर जो एक बार आता है ना उसका आना जाना लगा ही रहता है साहब। अपन का आना जाना नहीं लगा रहेगा, पर अपन दो मेहमानों को इधर जरूर भेजेगा जिन कमीना लोग की वजह से अपन इधर आया है। चंटू बंटू अपन। हेलो हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ मैं भी बोल रहा हूँ। अबे पेड्रो बोल रहा हूँ। पेड्रो भाई हाँ आप ठीक तो है ना? वो कमीने पुलिस वाले अब तक पहुंचे तो नहीं ना? जब तक मैं अपने भाई के कातिलों को मौत की घाट नहीं उतार देता पुलिस तो क्या यमराज भी नहीं आ सकता यहाँ। और सुन उसका कुछ पता चला? नहीं पेड्रो भाई अभी तक तो नहीं। पेड्रो को तो पता ही नहीं कि जिसके भरोसे वो अपने भाई के कातिल को ढूंढ रहा है वो खुद कातिल का जिगरी दोस्त है। ये खबर पेड्रो को पहुंचाना मांगता है लेकिन वो है किधर? और देख मैं पुरानी गुफा में छुपा हुआ हूँ, यहाँ के मेरे को बताना, और अगर यहाँ का पता किसी और को दिया तो तेरे इस साले कबर खोद डालूंगा मैं, समझा? अब हाँ समझ गया, ठीक है ओके। ये होटल तो बंद पड़ा है। पता तो यही का है ना? लगता है बच्चों ने इस बार फिर हमारे साथ मजाक किया है। नहीं जी मेरा बंटू हमारे साथ ऐसा बेहुदा मजाक नहीं कर सकता। अच्छा तेरा बंटू? अरे हम कहाँ जाएं क्या करेंगे? हेलो हेलो आप लोग चंटू और बंटू के पेरेंट्स?
क्या गेसिंग है मेरी? आप लोग शक्ल से उनके ही पेरेंट्स हो सकते हैं। वैसे आप चंटू और बंटू को जानते हैं? अपन उनका मैनेजर। अच्छा, उन्होंने अपन को यहाँ लेने भेजा आप लोगों को, एक जरूरी मीटिंग से बैठे हुए। हेलो, व्हाट, तुम्हारी क्षमा था ये क्या? हेलो हेलो, क्या ये बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने जो तुम लोग मेरे पास चले आए। मुझे भी पेड्रो से पुराना हिसाब चुकाना है, मगर पेड्रो एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, हमें पूरी फोर्स लेकर पुरानी गुफा को घेरना पड़ेगा। इस तरफ। चंटू बंटू, तुम्हारे माँ बाप को गोम्स ने किडनैप कर लिया है। अरे लेकिन वो तो जेल में था ना? नहीं, वो छूट के आ गया और तुम्हारे माँ बाप को फंसा के ले गया है, और अब वो तुम लोगों से मिलना चाहता है। ये गोम्स कौन है? सर वो हमारी होटल में वो असिस्टेंट मैनेजर हुआ करता था, और हमने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया था, फिर वो जेल चला गया था, और शायद इसी बात का वो बदला ले रहा है। ओ आई सी, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर एक बहुत अच्छा प्लान है। किसके पास? इसके पास। बोल ना यार। एक्चुअली प्लान ही है सर। लुक मैन, मेरे को मालूम पड़ गया है कि तू और चंटू जिगरी फ्रेंड, और ये बात अपन पेड्रो को बताना चाहता है। लेकिन ये बात पेड्रो को बताकर तुझे क्या मिलेगा? मैं तुम लोगों का ये हड्डी है ना, ये पसली है, तोड़वाना चाहता है, और ये काम पेड्रो करेगा, समझा ना? और तू मेरे को पेड्रो के पास लेके जाएगा, और अगर नहीं ले गया ना तो तू जानता है कि तुम लोग का माँ बाप को मैंने क्या बंदोबस्त करके रखा है, जानता है ना तू? मेरे को जेल भेजा तुम लोग। देखो एक काम हो सकता है, तू चंटू की गेम कर दे, और मेरी और मेरे माँ बाप की जान बख्शी के बदले मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, तेरी खुन्नस भी पूरी हो जाएगी और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। मेरे को टोपी पहना था तू। ए टीचर वेटर, ये 10 लाख किधर से लाएगा? किधर से लाएगा तू? खन्ना की बेटी के साथ मेरी शादी होने वाली है। और शादी के बाद तू फिर गया तो मैं तो गया। अरे तू मेरी हैसियत भी तू पेड्रो को बता सकता है ना? ए चंटू तेरा जिगरी फ्रेंड है, मत भूल। अपनी जान बचाने के लिए लोग अपने भाई को मार देते हैं, तो ये तो सिर्फ मेरा दोस्त है, तेरे जैसे कमीने का दोस्त, कुत्ते कमीने का। ये क्या है? बंटू ने एक छोटा सा माइक्रोफोन गोम्स की जेब में डाल दिया है। ओ या। अब हम गोम्स की सारी बातें इसमें सुन सकते हैं। लेकिन कैसे? एक मिनट। ए मैन, किधर ले आया? रुक यार एक मिनट। अरे कोई है? इधर आ गया। कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोल। मैं हूँ बंटू। तू यहाँ क्या करने आया है? ये कौन है? ये गोम्स है। गोम्स। ये आपको चंटू के बारे में कुछ बताना चाहता है। क्या कहा है वो? हेलो सर, एक मिनट साइड में आएंगे। बेटो साहब, आपको चंटू का एड्रेस मांगता है ना, वो सिर्फ बंटू ही दे सकता है। क्या? एक्चुअली चंटू और बंटू दोनों जिगरी फ्रेंड हैं, और आपस में मिलके आपके भाई को इडियट बना रहे थे। क्या बकता है? हाँ, अभी तक ये अड्डे का पता चल गया होता, इसलिए पुलिस यहाँ पे नहीं आई है, क्योंकि मैंने दोनों के माँ बाप लोग को अपने कंट्रोल में रखा है। कहाँ? ऐसी जगह जहाँ किसी को डाउट ना हो। अब बाद में बताएगा। बहुत ही कमीना है, तुम दोनों के माँ बाप को कहाँ छुपाया है बता ही नहीं रहा, अगर बता देता तो अभी छुड़ा कर ले आते। अब क्या होगा? अब होगा यूज प्लान नंबर 2। अगर तेरी ये बात गलत निकली ना तो तेरी खोपड़ी को मैं नारियल के जैसे फोड़ दूंगा, समझा? कमीने, कहाँ है तेरा दोस्त? पेड्रो भाई, मेरा दोस्त तो भगवान को प्यारा हो गया ना, आपका भाई तो मेरा दोस्त है। ये क्या कह रहा है कि तेरे दोस्त ने मेरे भाई को मारा है? हाँ?
और तू पुलिस वालों से मिला हुआ है? हाँ, अबे इतना बड़ा झूठ! हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पेड्रो भाई, एक्चुअली है ना, पुलिस ने आपके नाम पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है ना, वो पाने के लिए इसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी गर्लफ्रेंड को किडनैप किया और आप तक पहुंचाने का प्रेशर डाला इसने मुझे। ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है पेड्रो साहब। नाटक करते हो, नाटक साइका आगे रुक जाओ, चलो चलो पिछड़। बंटो तुम ठीक तो हो ना? अरे मुनिया तुम इसी के अच्छे छूट का कैसा ही? और ये इस कमीने गोम्स का नौकर खाना लेकर आया था, मौका देखकर उसके सर पे जोर से फटका मारा और वहां से भाग आई। साहबजादे तुम यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये है कौन? ये एसीपी पांडे है, झाड़ियों के पीछे छुपकर इस ट्रांजिस्टर से शायद रेडियो मिर्ची सुन रहे थे। अबे रेडियो मिर्ची वायरलेस मशीन है ना वो, बोल क्या सुन रहा था उस पे? बोल क्या सुन रहा? बोल क्या सुन रहा था? बोल साले, नहीं काट डालूंगा तुझे मैं, बोल। वो कौन से हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि वो हमें तुम तक पहुंचाएगा और हम इस वायरलेस मशीन से कनेक्टेड भी हैं। देखा सर, झूठ, एकदम रॉन्ग। पेड्रो साहब, ये पुलिस वालों की चाल है। आपने कहा है कि पुलिस वालों की चाल? पेड्रो साहब अभी पता चल जाएगा, तलाशी लेते ना इसकी। खड़ा हो सीधा यहाँ पे, लेता हूँ तेरी तलाशी। रुक जा तेरी तो, क्या कुछ है? अभी पता चलेगा सर, अभी पता चलेगा। पेड्रो भाई, ये मिला उसकी जेब से। क्या ये? पेड्रो भाई, इसे इंग्लिश में माइक्रोफोन कहते हैं। जब कोई इसमें बात करता है ना, तो इस मशीन की वजह से वो आवाज 5 मील दूर से भी इसमें सुनी जा सकती है। लीजिए सुनिया सुनिए। कुछ नहीं है पेड्रो साहब, सब नाटक है। वन टू थ्री, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। उससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मैं तेरे कीमा बनाता हूँ। अपनों को नहीं मानना, अपनों का कोई फाल नहीं है, अपनों का पास सुनिए। एक लास्ट सुनिए, अपन जंगल में गाड़ी के अंदर ये लोग का माँ बाप को बंद करके रखा है, उनको यहाँ बुलाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसको अंदर भेजिए। ये देखिए आ गए टू फैमिली टुगेदर। वेलकम, आइए हमारे। वेलकम, आइए। आप यहाँ आ जाइए। आप कहाँ गए? हाँ यहाँ आ जाइए। ये पेड्रो साहब है, अब आप इनको ये बताइए कि आप चंटू के माँ बाप हैं और आप बंटू के, और चंटू और बंटू 4 साल की उम्र से दोनों एक दूसरे के जिगरी फ्रेंड हैं। बताइए। पर ये तो बताइए कि इशारा किसकी तरफ करना है? What are you talking? आप अपने बेटे को नहीं पहचानते? जो पता हुआ वही होगा। बंटू मेरे बेटे, बंटू मेरे बच्चे, मेरे लाल। ये किसको छूटता है? ये तेरी क्या हालत हो गई बेटा? बंटू, ये तो साला पुलिस वाला है। अरे बोल, मेरे साथ क्या करूं? पेड्रो साहब, ये चीटर बंटू की तरह इसके माँ बाप भी चीटर है। बाय गॉड, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं अभी इसके माँ बाप की खाल उधेड़ता हूँ, फिर देखना ये कैसे चीखता है। अरे तुमने पैसे को कहा था, फटके क्यों मार रहे हो? बोल बंटू, तेरा बेटा है या नहीं? आप भी, आपने तो बताया नहीं कि आप भी एक्टिंग करने वाले हैं। अबे ओ नौटंकी, अब तू कौन? सरदेसाई, प्रिंसिपल सरदेसाई। क्या है, मैं एक एक्टिंग स्कूल चलाता हूँ। कल के कलाकार, आपने नाम तो सुना ही होगा, ये रखिए मेरा कार्ड। ये जनाब आए थे कल हमारे वहाँ, कह रहे थे कि हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स को चांस देंगे फिल्म में। लेकिन आपने तो कहा था कि कोई दो जवान लड़कों के माँ बाप का रोल करना है। ये हंटरबाजी की तो बात ही नहीं हुई थी। क्या है, उसके हम एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। अब बोल, तुझे क्या बोल रहा है? नाटक कंपनी। पेड्रो साहब, मैं इस खजूर को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, ये चंटू और बंटू के कॉलेज का प्रिंसिपल है और ये भी इन सब के साथ मिला हुआ है। ये सब मिले हुए, एक यही बिछड़ा हुआ है। सब मैं कर देता हूँ, अपन को नहीं माना, अपन का कोई फायदा नहीं।
अब ये कौन है? आइडिया नहीं है सर। मैं इन कमीने छंटू बंटू की सताई हुई एक अबला औरत हूँ। गोम्स ठीक कह रहे हैं, छंटू बंटू दोनों दोस्त हैं। पेड्रो भैया, आपके भाई को मौत के मुंह के घाट उतारने में इन्हीं का हाथ है। क्या सबूत है? अरे सबूत की क्या जरूरत है, इस लड़के पर जोर जोर से कोड़े बरसाओ, उसकी माँ चीखने लगेगी, बंटू बंटू मेरे बंटू। औलाद माँ के दर्द को नजरअंदाज कर सकती है, पर माँ अपने बेटे को कांटा भी चुभ जाए तो चीख उठती है। ये भी ठीक है, चलो इसे भी अजमा लेते हैं। गोम्स, तेरे को एक और चांस, चल शुरू हो जा। चलो अब पता चलेगा कि तू किसका बेटा है। पेड्रो साहब, अब तू क्या लेने आया है यहाँ? ये औरत बहुत बड़ी धोखेबाज है और बंटू जी ने इसे आपके होटल में धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा था, बस ये उसी का बदला निकाल रही है। नहीं नहीं। अच्छा, क्या तुम महारानी ऑफ जनकपुर बनकर हमारे होटल में मुफ्त में डेरा डाले नहीं बैठी थी और खीर में कांच मिलाकर स्वर्गीय साहिबा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? अरे हाँ, लेकिन वो तो सुन लिया, तब बंटू जी ने आकर इनकी पोल खोली थी। मैं जानता हूँ कि इस कमीने की वजह से ही मुझे मैनेजर से लॉन्ड्री मैनेजर बनना पड़ा, लेकिन पेड्रो साहब जो बात सच है मैं बिल्कुल वही बात कहूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं चाकू नहीं गोली चलाऊंगा। हेलो हेलो, रुको, ए इसकी बकाक, आपको नया। हेलो एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो। तू जो भी है ये मैं बोल रहा, चट्टू बट्टू दोनों दोस्त है और दोनों मिले हुए। हाँ यही बोलना है सर, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। देखिए 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 सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास प्रूफ है सर। आप ये देखिए, अब ये देखिए फोटोग्राफ देखिए। हाँ हाँ, ये रहे दोनों और वो साइड में खन्ना साहब है, उनके बड़े भाई। हाँ क्यों मिस नाड़ा ढिल, अब कुछ कहना है? अब मुझे यकीन हुआ, कोई है खैरों की आवाज लगाने वाला? नहीं, कोई नहीं है। ए, चल 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 चल, तू बहुत मजाक किया, एक मिनट का वक्त देता हूँ तेरा दोस्त का है, बोल वरना इन सबको शूट कर दूंगा भाई। ए, मैं इसको गोली मार दूंगा, तुम बाकी की नौटंकी पार्टी को निपटा देना। तीन तक गिनूंगा मैं, एक दो। ठहरो, तू आ गया साले, पहले तुझे ही गोली मारता हूं मैं, तुझे बिल्कुल पहले बोले। जूता किसने मारा? जा, तूने मारा, तूने तूने मारा, तूने मारा, तूने मारा, तू मारा। मैं नहीं मारा। तू, ए तूने मारा, बैठ दिखा, जूता तूने मारा, दिखा पर, बैठ दिखा साले, बैठ दिखा, बैठ दिखा। जूते से डराता साले, मैं पहले रहता हूँ। मैं तेरी जूता पहनाऊंगा, देखो टाइम पीस बुलाना, रुक जा, मैं रेडी नहीं हूँ अभी। सर
चाहिए होगा। कितनी अच्छी खासी पर्सनालिटी है तुम्हारी। ये लो मेरा कार्ड, मैं तमिल फिल्म में हीरो बनाऊंगा। ये भी मुंह लगते तुम। साइड में नहीं तो खोपड़ी ब्रेक कर दूंगा। तुम्हें गोली नहीं है तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है। किस काम में तू? मैं तो आपका आदमी हूँ साहब। आपका लॉन्ड्री मैनेजर। अच्छा फिर ठीक है, मेरी लॉन्ड्री में आना, मैं कपड़े धुलवा के जाना। अच्छा ये तो चला गया, किधर गया? पकड़ लिया बच्चे को, लगती है ना तो माँ सिर्फ रोती ही नहीं, हंटर भी चला के, समझे? तेरे घर में भाई बाप नहीं है? औरत के पीछे क्या छुपता है? चल बारा। जो होता है डंडे है उसके हाथ में। अबे डरपोक बारा। मारना है तो मारना, मार के चलते हैं। मारी फूलन देवी। चले। अच्छा मैं भी पेंटर साहब का ही आदमी हूँ। अच्छा हाँ सॉरी झूठ बोला। कहाँ चला गया? मैं घर जा रहा हूँ। रिवॉल्वर की गोली तो सिर्फ हाथ को छू के गई थी, ये बाकी के जख्म कैसे? क्या बताऊं सिस्टर, एक मिनट का मजाक बहुत महंगा पड़ा मुझे। मतलब? गोली लगने के बाद मैंने मरने का नाटक किया, जब तक सांस रोक सका रोकी, लेकिन एक मिनट के बाद जब सांस छूटी तो मैं जोर जोर से हंसने लगा। सुंदरी मुंदरी और चंटू ने मिलकर मुझे बहुत मारा। बहुत कमीने हो तुम। अरे अभी चलो भी आके मेहमानों के साथ बैठो, आ जाओ। अरे आ रही है, भाई सचमुच
आपके बच्चों ने तो कमाल कर। अरे भाई आज तक जो खुल नहीं रहा था वो एकदम काम करने लगा है। हमारा एक रिसोर्ट जो सालों से बंद पड़ा था वो उन्होंने ना ही सिर्फ खुलवाया बल्कि इतनी काबिलियत से चलाया कि हमारे दूसरे रिसोर्ट से अब वो ज्यादा मुनाफा करने लगा है। अरे भाई इतने होनहार वो पाकर हम तो वो हो गए। दामाद पाकर बहुत खुश हो गए जी। बस अब गुरुजी आ जाए उनके आशीर्वाद ले लेते और फिर चटमंगनी पट ब्याह कर देते। गुरुजी घबराइए मत, वो कोई वो नहीं है। जी हाँ वो कोई साधु महात्मा नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े कर्मयोगी है। हम उनके वहाँ नौकरी करते थे। हमारी जिंदगी का हर अहम फैसला हम गुरुजी के आशीर्वाद लेके ही शुरू करते हैं। ये लो गुरुजी आ गए। गुरुजी तुम ये दोनों मवाली यहाँ क्या कर रहे हैं? मर गए।